गुड मॉर्निंग एवरीबडी कैन यू हियर मी गाइज गुड मॉर्निंग एवरीबडी कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू गाइज बता दो मुझे yes good morning everybody yes okay great so i think we should start the uh, you know kind of marathon for derivatives so guys i'll try to uh, see to the fact that we are covering almost everything concept wise at least तो आइडिया क्या था कि जो तुम रिविजन करने वाले थे खुद से यू नो नोट्स के अंदर से निकाल के पेज बाई पेज पेज बाई पेज वो तुम खुद नहीं करके मैं कहीं ना कहीं ट्राई करूँ तुमको उस पार्ट पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने की और फिर क्वेश्चंस तुम जो मैंने रिवीजन वीडियोस डाले हैं तुम उसमें से कर सकते हो या तुमने कोई मास्टर मैनुअल वगैरह से अगर तुमने निकाल के रखा है कोई क्वेश्चन कि तुम उन्होंने टिक मार्क करके रखा है कोई क्वेश्चन तो वो तुम कर लेना लेकिन या वंस द होल रिवाइंड यू नो द होल रिवाइंड दैट आई विल हेल्प यू डू ओके सो वी आर स्टार्टिंग हियर फाइन सो वी आर स्टार्टिंग इन द डेरिवेटिव मैराथन हियर एंड द फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू से यू नो बिफोर आई स्टार्ट इज दैट जब भी डेरिवेटिव शुरू करते हैं ना तो हमेशा फॉरेक्स के बाद आता है इट्स यूजअली आफ्टर फॉरेक्स ओनली तो वॉट हैपन्स दैट फॉरेक्स में यू आर ऑलरेडी लाइक डन विथ फॉरवर्ड्स आई एम ऑल ऑफ यू नो दैट देर आर टाइप फोर टाइप्स ऑफ डेरिटर्स फॉर दैट मैटर फॉरवर्ड्स फ्यूचर ऑप्शन एंड सॉप्स ये सबको पता होगा इस स्टेज पर मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुमको ये भी नहीं पता है राइट right? तो क्या होता कि फॉरवर्ड्स फॉरिक्स में पहले ही हम पढ़ चुके होते हैं करेंसी फॉरवर्ड्स फॉर दैट मैटर तो कहीं ना कहीं एक फील रहता कि डेरेविट्स क्या होता है और मुझे बहुत आसानी होती है वहाँ से शिफ्ट करने में यू you नो know? क्योंकि बिल्कुल कोई चीज़ नहीं पता है तो दिक्कत है लेकिन अगर थोड़ी भी चीज़ थोड़ी भी यू you नो know, कुछ पता है तुम्हें तो इट बिकम्स अ बिट ईजी मैं ऐसे एब्रप्ट चालू नहीं करूंगी डेफिनेटली जितने लोगों ने भी मेरा आज डायरेटिव का लेक्चर देखा होगा दे वुड हैव सीन दैट आई स्टार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं तुमको सेटल डाउन कर लूँ शुरू में वी आर वेरी एक्साइटेड यू नो इवन आई एम वेरी एक्साइटेड आई एम वेरी देर इज अ लॉट ऑफ एडल इन रश कि क्या होगा कैसे होगा अच्छा होगा नहीं होगा यू नो सो मेनी थिंग्स कम टू योर माइंड सिमिलरली तुम्हारे लिए भी कल मेरा एग्जाम है पता नहीं ये फ्रूटफुल होगा मैं करूँ नहीं करूँ नो सो मेनी थिंग्स एवरी ईच एंड एवरी इंडिजअल का तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट बोथ ऑफ अस सेटल डाउन टू स्टार्ट विथ जैसे कल फॉरिक्स में दस पंद्रह मिनट में हम सेटल डाउन कर चुके थे राइट उसके बाद बहुत स्मूथ गया तो सेटल डाउन करने की और कराने की एक स्ट्रेटजी होती है कि कोई ऐसी बात हम करें जो इससे रिलेटेड ना हो टॉपिक से रिलेटेड वरना हम बगडप हो जाते हैं तो फॉलोइंग द सेम ट्रेंड विच आई हैव बिन फॉलोइंग इन द चैप्टर इज टू लिसन अ स्टोरी वी ऑलरेडी नो द स्टोरी ईच वन ऑफ यू नो द स्टोरी बिकॉज यू ऑल ऑफ यू वुड हैव डन माई डरवेटि इन रेगुलर और स्विफ्ट और रैपिड और एक्सप्रेस और समथिंग सम समवेयर आई डोंट नो फिर भी सुनो आसानी होगी बिकॉज हम रिविजन कर रहे हैं तो बात है यही हमारी वही रिपीटेड uh, स्टोरी है बट आई एम नॉट वॉन्टिंग टू चेंज द स्टोरी एट ऑल बिकॉज आई फील दिस इज़ अ गुड स्टोरी वेर इन स्टूडेंट्स ने कभी कंप्लेन नहीं करी कि नहीं समझा एंड आई थिंक इट इज़ अ फिटेस्ट स्टोरी तो हम बात कर रहे हैं बस क्विकली खत्म करूँगे ओके हम बात कर रहे हैं मे बी लाइक फाइव हंड्रेड ईयर्स और वन थाउजेंड ईयर्स वेर इन देर देर वॉज नो मार्केट एज सच ऑर्गेनाइज मार्केट जिसको बोला जाता है और देखो दूसरी तीसरी बार बोलूँगी तो कुछ ना कुछ अलग ही आएगा बिल्कुल सेम आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है राइट ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं था ओके okay, और सब अपने अपने एंड पे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते कोई वीट प्रोड्यूस कर रहा है कोई राइस प्रोड्यूस कर रहा है कोई गोल्ड स्मिथ है कोई ब्लैक स्मिथ है समथिंग ओके okay, तो द इंसान की जो जरूरत होती है वो एक नहीं होती है मल्टीपल होती है राइट right? तो मैं सब चीज़ जनरेट नहीं सब चीज़ें जनरेट नहीं कर सकती आई कॉन्ट जनरेट एवरीथिंग फॉर दैट मैटर आई कॉन्ट जनरेट वीट राइस पल्सेज गोल्ड यू नो एवरीथिंग इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी फॉर दैट मैटर तो नेचुरल सी बात है कि आपस में एक्सचेंज होगा उसको ही ट्रेड बोला जाता है तो वंस इन वंस अपॉन अ टाइम इट यूज़ टू बी अ बाटर ट्रेड लेकिन हम बाटर ट्रेड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं उस समय के जहाँ पे करेंसी uh, इंट्रोड्यूस हो चुका था सम सम और द अदर इन रॉ फॉर्म और समथिंग सम सोफिस्टिकेटेड फॉर्म वो बात नहीं कर रहे हैं हम लोग राइट ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ तुमको कि सपोज करो कि uh, एक फार्मर है सपोज और वो वीट प्रोड्यूस करता है यू शुड नो दैट वीट इज अ रबी क्रॉप फॉर दैट मैटर ओके तो विंटर्स में उसकी हार्वेस्टिंग uh, होती है एंड ऑल दैट तो विंटर्स में हम डालते हैं उसको और बाद में उसकी हार्वेस्ट होती है गर्मियों में राइट तो मिडल मैन के साथ में वो यू नो काइंड ऑफ बातचीत चल रही है देर इज सम काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन जहाँ पे मिडल मैन आया है कोई शहर से और उसका फ्लावर मिल है और उसको वीट खरीदना है बिकॉज नेचुरल सी बात है उसका बल्क रिक्वायरमेंट है तो so, आज फार्मर उसको कोट करता है पचास रुपया पर के जी फिफ्टी रुपीज पर के ठीक है ना अब उसके बाद उसके बाद क्या होगा कि दोनों को डर लग रहा है जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ दोनों को डर लग रहा है किस बात का डर लग रहा है कि इस साल तो एक हज़ार किलो यू नो वन थाउजेंड के जी इंटू फिफ्टी वन थाउजेंड इंटू जस्ट लिसन सुनो ध्यान से अगर बहुत ऐसा यू नो काइंड ऑफ सर ऐसा ये हो रहा है तो जस्ट आँख बंद करके सुनो तुम वीडियो बाद में भी देख सकते हो अगर कुछ लिखने का मिस हो रहा है तो होने दो ओके तुम सुनो सिर्फ तो फिर कितना हो गया फिफ्टी थाउजेंड का माल हो गया तो मिडल मैंने पचास हज़ार रुपये दे दी और एक हज़ार के जी का वीट डिलीवरी ले लिया ओके दोनों को क्या डर लग रहा है अगले साल अगर अगले साल अगर बारिश कम होती है तो वीट की सप्लाई कम हो जाएगी और रेट फिफ्टी से ज़्यादा होगी ये डर किसको लगेगा मिडिल मैन को सिमिलरली फार्मर को क्या डर लग रहा है फार्मर को ये डर लग रहा है कि अगर मानसून अच्छा हो गया तो वीट का सप्लाई बढ़ेगा और ये रेट गिर जाएगी तो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं और उसका नाम होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम फॉरवर्ड बोलते हैं उनको नहीं पता था ये बात और रॉ फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आई एम श्योर एवरीबडी नोज दैट डेरिवेटिव डज नॉट हैव इट्स ओन वैल्यू डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग सो बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट जो था दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए जहां पर यह बोलता है मिडल मैन फार्मर को दैट मैं अगले साल फिर से आऊँगा और आपसे वापस एक हजार किलो में वीट खरीद के जाऊँगा एट द रेट ऑफ फिफ्टी ओनली सो दिस इज अ वन ईयर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय फिफ्टी रुपी बाई वन थाउजेंड के ऑफ वीट एट एट द रेट ऑफ रुपीज फिफ्टी पर के जी फ्रॉम द साइड ऑफ द मिडल मैन एंड द फार्मर एंटर्स इंटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल वन थाउजेंड के जी ऑफ वीट

अनसर्टानिटीज़ जिससे कि रिस्क की फीलिंग आती है तुम रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते लेकिन उसको रिड्यूस कर सकते हैं डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स आर इंस्ट्रूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन रिड्यूस और मैनेज रिस्क फॉर दैट मैटर एनी विच वेज यू कैन नॉट एलिमिनेट रिस्क कंप्लीटली इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर दैट मैटर ओके ये बात होगी तुम्हारी बैकग्राउंड की कुछ वर्ड्स बार बार यूज आएंगे लॉन्ग शॉर्ट यू नो बुलिश बैरिश बुलिश का मतलब देखो मैंने बोला नहीं शायद फॉरेक्स के लेक्चर में आज अभी बोल रही हूं दैट मार्केट में कोई भी मार्केट ले लो एनी मार्केट फॉर दैट मैटर इट इज अ मनी मार्केट इट इज अ स्टॉक मार्केट इट इज अ एनी कमोडिटी मार्केट इट इज अ डेरिवेटिव मार्केट और इट इज अ फॉरेक्स मार्केट एनी मार्केट फॉर दैट मैटर तीन साइकी साइकी थ्री टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी वर्क हैजिंग हेजर स्पेक्यूलेटर एंड आर्बिटराजर जितने भी सम्स होंगे डेरिवेटिव्स के अंदर में वो सारे के सारे इसी पर्सपेक्टिव से बनने वाले हैं हु इज अ हेजर हेजर का बिज़नेस कुछ और है लेकिन क्योंकि उसको रिस्क आ रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपन बात करें इम्पोर्टर जो इम्पोर्ट कर रहा है यूएस से माल गारमेंट्स से इम्पोर्ट करता है तीन महीने के बाद पेमेंट कर रही है आज की रेट सेवेंटी चल रही है बाद में डर लग रहा है कि रेट बढ़ नहीं जाए बिकॉज़ अगर रेट बढ़ेगी तो हमको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा ओके तो वो क्या करेगा जाके बैंक में एक फॉरवर्ड बाय करेगा बैंक को बोलेगा बॉस मुझे एक लाख डॉलर का आप फॉरवर्ड बता दो तीन महीने के बाद मुझे कितना देना है एंटर कर गया बैंक बोला सेवेंटी टू रुपीज पर डॉलर में तुम तीन महीने के बाद लेके जाओ ओके दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड ऑन करेंसी जो कि तुम हम कल फॉरेक्स में पढ़ रहे थे राइट ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ तुमको कि तो ये हेजर कौन है ये हेजर वो है जो यू नो वो जान के उस मार्केट में नहीं गया था डिड नॉट गो टू द मार्केट इंटेंशनली बट द वेरी नेचर ऑफ हिज ऑपरेशन आर सच दैट ही इज फोर्स टू फेस द रिस्क ऑफ द मार्केट सो बेसिकली ही जस्ट ट्राइंग टू मैक्सिमाइज हिज इन एंड मिनिमाइज हिज Outflows. He is not there to make profit or loss for that matter. But be very clear. Importer, exporter, borrower, investor. ye ho ये हो गया हैजर स्पेक्यूलेटर मुझे बिजनेस से धंधे से कोई लेना देना नहीं आई हैव नथिंग टू डू विथ बिजनेस और समथिंग आई एम बेटिंग बेटिंग मतलब मुझे लग रहा है ओके और तुमको जो लग रहा है वो सच हो जाएगा ये जरूरी नहीं है हाँ सच हो गया तो तुम पैसा कमाओगे बहुत सारा ओके तो तुमको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा किसी भी चीज का मार्केट स्टॉक का मार्केट कमोडिटी uh, का मार्केट गोल्ड का मार्केट सिल्वर का मार्केट करेंसी का मार्केट डॉलर का मार्केट समथिंग तुम्हारी ये बिलीफ है कि मार्केट ऊपर जाएगा अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या करना चाहिए बाय नाउ सो दैट जब मार्केट ऊपर जाएगा तो तुम सेल करोगे तुम पैसा कमाओगे इस एटीट्यूड को इस बिलीफ को बोला जाता है बुलिश एटीट्यूड सो अ पर्सन हु इज़ बुलिश विल गो लॉन्ग ओके एंड सिमिलरली इफ़ द पर्सन फील्स एट द मार्केट विल गो डाउन देन ही विल गो शॉर्ट ओके मतलब वो बेचेगा क्यों बेचेगा आज बेचेगा ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट बच्चों को दिमाग में जाता ही नहीं है दैट कि मैम है तो नहीं मेरे पास बेचा कैसे तो मार्केट में एक कॉन्सेप्ट चलता है उसका नाम है शॉर्ट सेलिंग शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है शॉर्ट सेलर कौन होता है जिस आदमी को यह लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो क्या करेगा आज सौ रुपए पे सेल कर दो जब मार्केट नीचे जाएगा तो तुम कम दाम पे बाय करोगे तुमको प्रॉफिट आएगी प्रैक्टिकली तुमको क्यों नहीं कनेक्ट होता बिकॉज यू आर नॉट यूज टू ऑपरेटिंग इन द मार्केट ओके दैट इज वाई यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट इन प्रैक्टिकल लाइफ इन द स्टॉक मार्केट इफ यू गो शॉर्ट इन द मॉर्निंग बाई डिफॉल्ट यू विल हैव टू स्क्वेयर ऑफ योर पोजिशन इन द इवनिंग इसका क्या लॉजिक है मैंने एक वीडियो डाला हुआ है शॉर्ट सेलिंग का वो जाके देखो तुमको पूरा लॉजिक के साथ समझ में आएगा तो ज़्यादा करके डेरेवेटिव के चैप्टर में तुम शॉर्ट सेलिंग के बारे में ही पढ़ने वाले हो ओ गया तो लॉन्ग क्या होता है शॉर्ट क्या होता है बुलिश क्या होता है बैरिश क्या होता है तो स्पेक्यूलेटर हैज़ गॉट अ प्राइज बिलीव And he is there to make profit and loss. He has nothing to do with some business or arbitrager कौन होता है कल example दिया था NSE में Reliance का stock की price चल रही है दो हज़ार रुपया BSE में price चल रही है दो हज़ार पचास रुपये Okay. So अगर मैं BSE में दो हज़ार पाँच फिफ्टी में अगर सेल का सौदा डालूं और एन में एट द सेम टाइम मैं बाय करूं, तो मेरे को पचास रुपये का फ़ायदा होगा ज अर्बिट्राजर एन आर्बिट्राजर इज अ पर्सन हु ट्राइज टू एक्सप्लॉयड दिस प्राइसिंग ऑफ वन कमोडिटी इन टू डिफरेंट मार्केट्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम थियोरिटिकली थियोरेटिकली ये बातें तुमको किसी बुक्स में लिखी हुई नहीं मिलेगी थियोरिटिकली एन आर्बिट्राइजर नेवर मेक्स अ लॉस वाई वो एंटर ही नहीं करेगा कल फॉर एक्स में याद है क्या तुमको एन आर्बिट्राजर नेवर मेक्स अ लॉस थियोरिटिकली वो इधर ही यू विल हैव एन आर्बिट्राज प्रॉफिट और यू विल राइट आर्बिट्राज इज़ नॉट पॉसिबल यू विल नॉट राइट आर्बिट्राज लॉस मैं अंदर जाऊंगी नहीं तो हुई इज एन आर्बिट्राजर हु ट्राइज टू एक्सप्लोयर द मिस प्राइसिंग इन टू डिफरेंट मार्केट्स विद रिस्पेक्ट टू वन कमोडिटी बिकॉज ऑफ मिस प्राइसिंग कैन यू सी देर ये तीनों साइकी ऐसा तुमको यू नो काइंड ऑफ दिखेगा नहीं मार्केट के अंदर में अच्छा और देखो आर्बिट्राजर जा रहा है ओके ओके हेजर जा रहा है नो दे आर साइकीस Okay so how are you guys all of you how was your did you sleep properly did you sleep properly all of you ओके दैट्स ग्रेट आई जस्ट ट्राई टू ब्रेक योर दिस सै नो अगर तुमको स्ट्रेस हो रहा है तो मैं सिर्फ वो ब्रेक करने की कोशिश कर रही हूँ बातें करने का समय नहीं है हमारे पास में हम बातें एग्जाम के बात कर सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा जो मोनोटोनी uh, जो चल रही है ना हमारे तुम्हारे बीच में कनेक्शन के वो मैं ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी पेपर अच्छा जाएगा तुम्हारा डोंट वरी पेपर बहुत अच्छा जाएगा ओके सो जो जस्ट डोंट जो चीज़ से हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में सोचा नहीं करते तुम अपना बेस्ट दो बस बात खत्म हो जाती है वहाँ पे एंड यू आर नॉट आंसरेबल टू एनी बडी इन दिस वर्ल्ड फॉर दैट मैटर इफ़ यू हैव बीन ऑनेस्ट इन योर प्रिपरेशन सो जस्ट रिमेंबर दैट आई एम लाइक वेरी लाइक तुमसे बहुत ज़्यादा ही मैं बड़ी हूँ ओके okay? अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ तुमको थिंग्स विल फॉल इन प्लेस लाइफ इज ऑल अबाउट एवरेजिंग आउट एंड यू विल डू गुड इन लाइफ डोंट वरी

और आर्बिट्राजर यू you नो know, काइंड kind ऑफ of, तो सम करना ईजी हो जाता है बिकॉज यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट विथ व्हाट आई एम साइन एम ट्राइंग टू से ओके ना सबसे पहले शुरू कर रही हूँ डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स लेकिन आगे जाने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ वो देखो स्क्वरिंग ऑफ क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्क्वेयरिंग ऑफ डेरिवेटिव्स के चैप्टर में इफ यू डू नॉट नो एक्जैक्टली व्हाट इज स्क्वेयरिंग ऑफ देन देयर इज अ प्रॉब्लम सो व्हाट इज स्क्वेयरिंग ऑफ लुक एट दिस फाइन सो सपोज आई बाय फॉरवर्ड बाय फॉरवर्ड गुड मॉर्निंग अदिति सो बाय फॉरवर्ड एट द रेट ऑफ रुपीज़ सेवेंटी पर डॉलर फॉर डॉलर वन लैक इसका क्या मीनिंग हुआ इसका ये एंड बी लाइक गैस प्लीज़ बी रिलैक्स्ड, इतना ही पढ़ो लेकिन शांति से पढ़ो ख़त्म करने की कोशिश में सब खराब हो जाएगा जो बच जाएगा वो खुद से कर लेना एनी वीज वे तुमको तो नहीं पता था कि मैं मैराथन लेने वाली हूँ तुमने तो अपनी तैयारी करके रखी है ना ये तो वैल्यू एड है तुम्हारे लिए तो ये मत बोलो कि मैम भगाओ 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 नहीं ह्यूमन बींग्स की तरफ पढ़ते हैं मुझे पता है किस स्पीड में बिकॉज ये मेरा पहला मैराथन नहीं है ये मेरा कितने मैराथन ले चूँकि मुझे भी पता नहीं है ओके okay? तो आई नो कौन सी स्पीड में तुम्हारे लिए एब्जॉर्ब करना ईजी होगा बाकी जो बच जाएगा अगर नहीं हो पाएगा तुम खुद से कर लेना ओके नाउ मैंने आई एम स्टैंडिंग ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी एंड आई बाय अ फॉरवर्ड ऑन वन लाख डॉलर्स मे बी आई हैव अ पेबल ऑफ वन लाख डॉलर्स आफ्टर थ्री मंथ्स ओके तीन महीने खत्म होने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं पहला ऑप्शन ये है कि पे रुपीज सेवेंटी फाइव लैक्स पे रुपीज सेवेंटी फाइव लैक्स एंड डेलीवरी टेक डिलीवरी ऑफ डॉलर वन लाख, ओके दिस वर्ड डिलीवरी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हियर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ओके दूसरा है कि मतलब मुझे नहीं चाहिए मुझे पता चला जाके थर्टी फर्स्ट मार्च को कि मुझे नहीं चाहिए कोई भी रीज़न हो सकता है मुझे मेरा माल अच्छा नहीं आया मैंने माल को रिजेक्ट कर दिया जब माल ही रिजेक्ट हो गया तो मैं पेमेंट क्यों करूँगी राइट एंड टाइम पर नहीं आया माल समथिंग तो आई डोंट वॉन्ट नाउ तो क्या करोगे तुम तो ऐसे नहीं छोड़ सकते यू कान से दैट ओके मेरे को नहीं नहीं छोड़ दो छोड़ दो नहीं ऐसे नहीं होता यू विल हैव टू गो इंटीमेट द बैंक कि बॉस कल यही तो टॉपिक हम कर रहे थे फेट ऑफ द फॉरवर्ड्स में ओके okay, तुमको बैंक को जाके इंटीमेट करना पड़ेगा कि ओके okay, मुझे ये नहीं चाहिए आप मेरा कैंसिल कर दो और कैंसिल करने के रिजल्ट में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो बैंक तुमसे या तो चार्ज करेगी या तुमको दे देगी लेकिन ये याद रखना कि अगर तुम मेचोरिटी के पहले आते हो या मेचोरिटी वाले दिन आते हो तो अगर गेन हुआ एज अ कैंसिलेशन एक्सटेंशन में भी कैंसिलेशन होता है और कैंसिलेशन में तो कैंसिलेशन होता ही है आई एम श्योर यू आर गेटिंग द पॉइंट तो अगर एज अ एज अ रिजल्ट ऑफ कैंसिलेशन अगर तुमको गेन होगा ओके okay, अगर तुम मेचोरिटी के पहले आते हो या मेचोरिटी वाले दिन आते हो तो बैंक तुमको देगा बिकॉज तुम्हारी वजह से बैंक को नुकसान नहीं हुआ अगर मैं तुम मेचोरिटी के बाद आकर के कैंसिल करते हो या फिर तुम एक्सटेंशन करते हो और अगर गेन हो भी रहा होगा ना कैंसलेशन में तो बैंक तुमको देगा नहीं ये याद रखना ओके सो एंटर इन टू हम्म क्या करें अ सेकंड अ सेकंड कनेक्शन लूज है क्या कहीं से बच्चे तुरंत निकल लेते हैं पता है Hmm. Guys, can you hear me now? Can you hear me now? Okay, fine. Let's start. So enter into quickly, enter into a reverse contract into a reverse contract that is sell. सपोज एट द रेट ऑफ रुपीज सिक्सटी नाइन पर डॉलर ओके सो लॉस हो जाएगा रुपीज़ वन लैक का सो गज़ वट आईम ट्राइंग टू टेल यू दैट स्क्रिंग ऑफ का मतलब क्या होता है इधर यू स्क्वेयर ऑफ बाई डिलीवरी और यू स्क्वेयर ऑफ बाई एंट्रिंग इन टू रिवर्स इसको बोला जाता है बाई डिलीवरी तो इसको बोला जाता है बाई डिलीवरी ओके द फर्स्ट वन इज बाई डिलीवरी एंड द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन इज बाई कैश स्क्रिंग ऑफ ये याद रखना है तुमको चलो स्टार्ट कर रही हूँ आगे तो द फर्स्ट टॉपिक इज पहला वाला बाई डिलीवरी मतलब स्क्वेर ऑफ उसको भी बोलेंगे पैसा दे दिया उसने सामने वाले ने हमको चीज़ दे दी वो डिलीवरी हो गई ओके okay? दूसरा मैंने डिलीवरी नहीं ली मुझे चाहिए ही नहीं थी या कोई भी रीज़न बोलो तो क्या करेंगे तुमने बाय किया था अब तुम सेल कर दो जो डिफरेंस होगा या तो तुम पे करोगे या तुम रिसीव करोगे उसको कैश स्क्वेयरिंग ऑफ बोलते हैं ये ध्यान रखना तो यूजुअली क्या होगा यूजुअली क्या होगा कि तुम्हारे जो हेजर होगा वो डिलीवरी लेके स्क्वायर ऑफ़ करेगा कैश भी कर सकता है अगर वो कैंसिल करेगा तो लेकिन जो स्पेक्यूलेटर होगा और जो आरबी होगा वो तो उस कैश स्क्रिंग ऑफ ही करेगा ना वो डिलीवरी क्यों लेगा हाँ या ना बोलो जल्दी जल्दी सॉरी थोड़ा सा ग्लिच है आज पास आई डोंट नो आई आई मीन यस्टरडे नाइट इट वॉज फाइन आई मीन वी के नॉट कंट्रोल ऑल दिस आई एम श्योर जो अपने हैं मुद्दा उस पर अपन फोकस करते हुए आगे बढ़ जाते हैं राइट right? तुमको समझा मैं क्या बोल रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेरेवेटिवस के अंदर में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों को इस चीज़ की इशू आती है ओके okay? कि स्क्वेयरिंग ऑफ किया आपने कहीं पे डिलीवरी दिखाया कहीं पे डिलीवरी नहीं दिखाया दिमाग चलाओ अपना कौन बिजनेस के अंदर में कौन है हेजर है तो वो डिलीवरी लेके स्क्वायर ऑफ़ करेगा क्योंकि उसको माल चाहिए अगर मैं एक लाख डॉलर की पेमेंट डिलीवरी नहीं लूंगी तो मैं अपने क्लाइंट को पे क्या करूंगी लेकिन एक लाख डॉलर के नाम पे मुझे ज्यादा ना देना पड़े इसलिए मैंने डेरिवेटिव में एंट्री की लेकिन जो स्पेक्यूलेटर और आर्बिट्राजर है उसको डिलीवरी चाहिए क्या यस इसको डिलीवरी देनी है क्या नहीं वो बेटिंग कर रहा है उसको लग रहा है बढ़ेगा तो बाय करेगा बढ़ गया तो पैसा कमाएगा उसको लग रहा है कि बढ़ेगा उसने बाय किया नहीं बढ़ा लॉस हो गया बेयर करना पड़ेगा सो बी वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड क्लियर ऑन द फैक्ट दैट कौन डिलीवरी लेगा कौन डिलीवरी नहीं लेगा कौन कैश स्क्वायर ऑफ करेगा कौन कैश स्क्वायर ऑफ नहीं करेगा हेजर कैन डू बोथ स्पेक्युलेटर बाय डिफॉल्ट विल डू कैश स्क्वेयरिंग ऑफ स्पेक्यूल एंड आर्बिट्राजर विल बाय डिफॉल्ट डू कैश स्क्वेयरिंग ऑफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिलीवरी ओनली दीज आर बेसिक्स सम्स तुम सबको करना आता है कहीं ना कहीं गैप्स की फुलफिलमेंट होनी चाहिए ओके वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स फॉरवर्ड इज अ कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज दो तरह के मार्केट होते हैं ओ टी सी एंड एक्सचेंज ओटीसी का मतलब बैंक हो गया ब्रॉडली और एक्सचेंज का मतलब स्टॉक मार्केट जैसे होता है वैसा एक्सचेंज हो गया तो बैंक में अगर जो बैंक में तुम्हारा जो आ, सामने काउंटर पार्टी है जो बैंकर है उसके साथ में अगर तुम फॉरवर्ड में एंटर करते हो तो कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी एंड मेचोरिटी कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी एंड मेचोरिटी फॉर दैट मैटर ओके यानी तुम्हारे हिसाब से नाइनटी नाइन थाउजेंड डॉलर्स पे तुम्हारे हिसाब से रेट सब कुछ मेचोरिटी तुम्हारे हिसाब से होगी फॉरवर्ड्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज दे आर बिटवीन टू पीपल कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं है फ्यूचर्स इज सेम एज फॉरवर्ड्स बट दे आर लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज एंड बिकॉज दे आर लिस्टेड ये जो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे मार मेरे बीच में बना सपोज जो लिखा था मैंने डॉलर वन लैक एट रुपीज सेवेंटी इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर मार्केट में लिस्ट कर दिया जाए कोई बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है तो वह फ्यूचर्स बन जाएगा आर गेटिंग द पॉइंट नाउ सो वैन फॉरवर्ड्स आर सपोज लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज दे बिकम फ्यूचर्स बिहेवियरली फॉरवर्ड और फ्यूचर में कोई फर्क नहीं होता है प्राइजिंग ऑफ अ फॉरवर्ड इज कैलकुलेटेड द सेम यू कैलकुलेट द प्राइज ऑफ फ्यूचर्स फॉर दैट मैटर आई एम श्योर गाइस तुमको समझता मैं क्या बोल रही हूँ फॉरवर्ड्स किस किस चीज़ पे पढ़ना है तुमको तुम्हारे पोर्शन के अंदर में यू टू स्टडी फॉरवर्ड्स ऑन करेंसीज एंड फॉरवर्ड ऑन इंटरेस्ट रेट दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट ये दो ही पढ़ना है फॉरवर्ड्स मैम और चीज़ों पर नहीं होता क्या होता है कमोडिटी मार्केट में फॉरवर्ड्स बहुत एक्टिवली यूज़ किया जाता है फ्यूचर्स तुम्हें किस पे पढ़ना है फ्यूचर्स तुम्हें पढ़ना है स्टॉक्स पे और करेंसीज पे आई एम श्योर आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड नाउ फॉरवर्ड्स में क्या होता है कि दो लोगों के बीच में कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है राइट right? तुमने जो सम्स किए हैं फॉरवर्ड्स के आज तक या एक ही सम तुमने देखा होगा जहाँ पे यू पे मार्जिन टू द बैंकर मतलब मैं बैंक एच डी एफ सी बैंक के पास गई और मैंने बोला वन लैक डॉलर पे सेवेंटी टू रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से मेरा फॉरवर्ड बुक कर दो मुझे बाय करना है ओके okay? तो क्या तुम सिर्फ बात करके आ जाओगे नहीं तुम सिर्फ बात करके नहीं आओगे तुम वहाँ पे तुमसे बैंक कुछ लेगा तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है कैसे चलाओ अपना वन लाख इंटू सेवेंटी टू विल गिव यू सेवेंटी टू लैख रुपीज राइट सेवेंटी टू लैख रुपीज का कुछ पोर्शन तुमको बैंक को आज ही देना पड़ेगा जो कि सम्स में हमें दिखाई नहीं देता ऐसा इट विल नॉट इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू विल गो एंड देर विल बी जस्ट अ वर्बल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देर इज नो ऑथेंटिसिटी ऑफ सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट कि तुम एस से भी बात कर लो आई से भी कर लो तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी सम्स में हमें दिखाई नहीं पड़ते बट हम मार्जिन देते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी एक सम है सिर्फ जहाँ पे मार्जिन दिखलाया गया है फॉरेक्स के अंदर में तुम्हारे पोर्शन बाकी किसी सम में हम मार्जिन नहीं दिखाते फ्यूचर्स का एसेंशियल पार्ट है मार्जिन स्टोरी पे वापस जाती हूं कि सपोज करो सपोज करो कि जो कहानी हमारी स्टोरी चल रही थी ना स्टोरी दैट आई स्टार्टेड विद द विदेट चैप्टर कि अब एक साल खत्म होता है और मार्केट मानसून बहुत अच्छा हो गया और मार्केट में वीट की जो प्राइस है वो फिफ्टी से घट के हो गई फोर्टी uh, फाइव तुम बताओ मुझे कौन डिफॉल्ट करेगा यस yes, बताओ कौन डिफॉल्ट करेगा हु डिफॉल्ट अगर मार्केट में प्राइस वीट की 50 से 45 हो जाती है देन हु विल डिफॉल्ट क्विक लिया द मिडिल मैन विल डिफॉल्ट और द फार्मर विल डिफॉल्ट अगर मार्केट में प्राइस 45 फाइव इन लोग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक साल पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इन लोगों का कि मिडिल मैन आएगा एंड वापस से 1000 थाउजेंड के जी ऑफ वीट ही विल बाय एट अ प्राइज ऑफ फिफ्टी बट ऑन द डे ऑफ मेचोरिटी द प्राइस ऑफ द वीट इन द मार्केट बिकेम द मिडिल मैन विल नेचुरली अब नाउ यू कैन इमेजिन तुम्हारा जो फार्मर वो पूरे साल यू you नो know, पूरे साल वो बंदा एक हजार के जी वीट उसने यू नो काइंड ऑफ मेहनत करी कि इस बंदे को डिलीवरी देनी है ये बंदा आया ही नहीं इसको बोलते हैं काउंटर पार्टी डिफॉल्ट ओके इन ऑर्डर टू अवॉइड काउंटर पार्टी डिफॉल्ट अ सिस्टम ऑफ गारंटीज गारंटी डिपॉजिट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड दैट गारंटीड डिपॉजिट इज कॉल्ड मार्जिन बेसिकली ओके सो मार्जिनस आर मार्क्ड टू मार्केट ऑन अ डेली बेसिस फॉर दैट मैटर तो एक सम मैंने लिया वॉट इज देर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मार्जिनस इनिशियल मार्जिन जैसे ही तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे तुमको इनिशियल मार्जिन देना पड़ेगा ये हम खुद कैलकुलेट नहीं करते एक्सचेंज हमें स्टिपुलेट करता है इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है म्यू प्लस थ्री सिग्मा ओके तो वो लोग इतना पैसा एक्सचेंज विल आस्क यू टू डिपॉजिट सो मच सो दैट तुमको समझ में आती है एक बात कि कोई एसेट है वो जितना डेविएट करेगा स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें वो जितना डेविएट करेगा वो उतना ज़्यादा रिस्की है ओके okay, तो सपोज को मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि आई बॉट प्राइस मी अ सेकेंड प्राइस देन प्लस माइनस मार्जिन and close i've been using this again and again suppose day on day 0 i bought one futures at a price of 1000 okay and i deposited a margin of 500 rupees as per the stipulation of the exchange day 1 ko ye ho gaya suppose 1100 rupees to ye plus 100 ho gaya kyun kyunki tumne 1000 mein buy kiya tha तो so, daily mark to market हो रहा है as if you are daily buying, daily selling. Settlement सेटलमेंट होती रहती है उसकी और ये हो जाएगा 600 सौ सेकेंड डे पे ये हो गया नाइन हंड्रेड तो ये माइनस दो सौ और ये हो जाएगा फोर दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड डेली सेटलमेंट दिस इज कॉल्ड डेली सेटलमेंट एक्चुअली तो थाउजेंड पे बाय एज इफ इलेवन हंड्रेड पे सेल देन इलेवन हंड्रेड पे बाय एज इफ नाइन हंड्रेड पे सेल सो बेसिकली वन थाउजेंड इज योर प्राइस एंड फाइव हंड्रेड इज़ योर इनिशियल मार्जिन वो इस तरह से कैलकुलेट करके आता है तो प्राइस अगर तुमने बाय किया प्राइस बढ़ेगी तो तुम्हारी क्लोजिंग वैल्यू बढ़ेगी अगर प्राइस नीचे जाएगी तो तुम्हारी क्लोजिंग वैल्यू नेचुरली नीचे जाएगी ओके सो देआर थ्री टाइप्स ऑफ मार्जिन इनिशियल मार्जिन जो तुम डिपॉजिट करते हो मैंटेन्ेंस मार्जिन इज़ दट अमाउंट जिसके नीचे तुम्हारा मार्जिन अकाउंट नहीं जाना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल इफ सपोज़ फाइव हंड्रेड इज अनिशियल मार्जिन एंड थ्री हंड्रेड इज इनिशियल मार्जिन अगर तुम्हारा जो अकाउंट है बिकॉज ऑफ द लॉस जैसे चार सौ हुआ ना अब मान लो थर्ड डे को सपोज करो कि ये सात सौ हो गया तो ये वापस माइनस टू हंड्रेड ये हो गया दो सौ तो अज्यूम करो कि ये इनिशियल मार्जिन वॉज फाइव हंड्रेड एंड मेंटेनेंस मार्जिन वॉज सपोज थ्री हंड्रेड यर अकाउंट हैज़ गॉन बिलो थ्री हंड्रेड दो सौ हो गया द एक्सचेंज विल आस्क यू टू डिपॉजिट मनी हाउ मच हंड्रेड और अगेन थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड ब्रिंग द अकाउंट बैक टू द ओरिजिनल लेवल दैट इज फाइव हंड्रेड दिस इज कॉल्ड मार्ग टू मार्केट बेसिस इन फ्यूचर्स गाइज

और उसके लिए डिपॉजिट 300 करना पड़ेगा वो जो 300 तुम डिपॉजिट करोगे ना हाँ करेक्ट अगर तुमने उसके लिए बोला तो बराबर बोला तुमने 300 डिपॉजिट करोगे ना कि 100 डिपॉजिट करोगे मैं बोल रही हूँ अगर इनिशियल मार्जिन 500 है और मेंटेनेंस मार्जिन अगर 300 है तो तीन सौ से अगर एक रुपया भी नीचे जाएगा तो तुमको मार्जिन कॉल आएगा एक ब्रोकर से तुम्हारे बोलेगा पैसा डालो अगर पैसा नहीं डालोगे तो तुम्हारा अकाउंट स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा तो कितना पैसा डालें मैम अगर मान लो मैं दो तक पहुँच गया हूँ तो मैं कितना पैसा डालूँ सौ डालू कि तीन सौ डालू नहीं सौ नहीं डालोगे वापस से मेंटेनेंस मार्जिन के लेवल पे नहीं लेके जाओगे इनिशियल मार्जिन के लेवल पे लेके जाओगे क्यों बार बार तुमको थोड़ी ना ब्रोकर कॉल करता रहेगा उसका काम कितना बढ़ जाएगा दैट इज रीजन और वेरिएशन मार्जिन क्या है वेरिएशन मार्जिन होता है वो अमाउंट जो तुम डालते हो इन ऑर्डर टू ब्रिंग द अकाउंट बैक टू द इनिशियल लेवल इज कॉल्ड वेरिएशन मार्जिन नाउ लेट इस डू दिस सम क्विकली ना दे राइटिंग अभिषेक बॉट वन सेंसेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन फेब्रवरी फोर द एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन द वैल्यूफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज टेन थाउजेंड दैट इज म्यू मैंने लिखा ना इनिशियल मार्जिन इज म्यू प्लस थ्री सिग्मा सो बेसिकली वाई म्यू प्लस उस पर ही बोल रही थी तुम्हें स्क्रीन चले गई थी मैं वाई म्यू प्लस थ्री सिग्मा इसका मतलब ये होता है कि मैं तुम तुम्हारे उतना हैवी लेवल सम्स होते नहीं हम जब मैंने बताया भी क्लास में कई बारी कि हम जब पढ़ते थे ना वैन वी यूज टू स्टडी देन दे आस्ट टू फॉर एग्जाम्पल डेली एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है सपोज करो कि लाइक like, प्राइस hmm, ये प्राइस है तो आज हज़ार है फिर ये वन थाउजेंड फिफ्टी हो गया देन मे बी लाइक इट इज बिकम्स ट्वेल्व हंड्रेड देन अगेन इट बिकम्स एलेवन फिफ्टी समथिंग तो चेंज चेंज इज़ वॉट डैश प्लस फिफ्टी ओके देन प्लस वन फिफ्टी एंड देन माइनस फिफ्टी सो दिस इज़ डेली एब्सोल्यूट चेंज ओके दिस इज डेली एब्सोल्यूट चेंज ओके तो एक साल का पीरियड लेंगे कि भाई एसेट कितना डेली बेसिस पे चेंज करता है राइट तो उसका एवरेज निकालेंगे वो हो गया म्यू और इसी कॉलम का जो तुम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे ना तो वो हो जाएगा सिग्मा तो म्यू प्लस थ्री सिग्मा यानी कि एवरेज चेंज प्लस थ्री टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेवियशन जितना पैसा रखवा लेते हैं कि, कि किसी भी हालत में एक्सचेंज को लॉस नहीं लगना चाहिए और तुम भाग नहीं जाओ उतना पैसा रखा लेते हैं रखाते हैं वो लोग ओके दैट इज अ लॉजिक तो ये तुम्हारा इनिशियल मार्जिन निकल गया और सम के अंदर बोला है सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द इनिशियल मार्जिन इज द मेंटेनेंस मार्जिन नाउ क्विकली सो द प्राइसेस आर लुक एट दैट ओके थ्री टू नाइन सिक्स पॉइंट फाइव जीरो ओके थ्री टू नाइन सिक्स पॉइंट फाइव जीरो एंड देन थ्री टू नाइन फोर फाइन तो थ्री टू नाइन फोर पॉइंट फोर माइनस ये इन टू दिस इज अ लॉर्ट साइज माइनस हो गया ये और तुमने जो मार्जिन ये मुझे लग रहा है तुम्हारा टेबल बराबर नहीं बनाया आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड ओनली देयर इज नो प्रॉब्लम सो हाउ मच डिट यू डिपॉजिट 16000 थाउजेंड तो सिक्सटीन में से ये माइनस हो जाएगा तुम्हारा तो ये 15895 वापस से uh, 3230 टू माइनस थ्री ये तुम्हारा प्लस वापस से माइनस uh, गया ओके एंड देन अगेन यू हैव अ इनिशियल मार्जिन 16000 थाउजेंड एंड इज 12 12000 के नीचे जाएगा तो कॉल करेंगे वो लोग ओके okay, तो 12695 हो गया एंड वापस से कैसे चलाओ अपना ट्वेल्व सिक्स नाइन्टी फाइव माइनस नाइन ज़ीरो फाइव अगर मैं करती हूँ ध्यान दो ये यहाँ पे ये था ना ये माइनस हुआ होगा ये माइनस हुआ होगा तो मेरी वैल्यू हो गई अकाउंट की इलेवन थाउजेंड सेवन नाइन्टी तो मार्जिन कॉल गया होगा ब्रिंग द अकाउंट बैक माइनस सिक्सटीन थाउजेंड इतना पैसा फोर टू वन ज़ीरो देखो डाला और ये अकाउंट सिक्सटीन थाउजेंड प्रॉब्लम क्या होती है समय बताऊँ मैं तुमको प्रॉब्लम ये होती है कि ये एक्चुअली सोलह हज़ार यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा यहाँ पे गड़बड़ तुमसे हो सकती है गड़बड़ क्या हो सकती है कि ये अकाउंट एक्चुअली ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स नाइन्टी फाइव माइनस नाइन ज़ीरो फाइव करते हैं ना तो इलेवन सेवन नाइन्टी है तो तुम क्या करते हो इलेवन सेवन नाइन्टी के हिसाब से सोचते हो लेकिन ये एक्चुअली डलने के बाद सोलह हज़ार हो गया ऑटोमेटिक तो तुम्हारे ब्रेन को ये मैसेज जाना चाहिए कि ये मेरा अकाउंट एलेवन थाउजेंड सेवन नाइन्टी नहीं है इट इज़ बेसिकली नाउ सिक्सटीन थाउजेंड ये ये दिमाग में चलना चलना चाहिए बाकी आई डोंट थिंक दट इज इज देर इज समिफिकल्टी लेवल इन दिस क्वेश्चन और शुड आई मूव एड गाइज क्विकली सो अब सिक्सटीन थाउजेंड टू सेवन सिक्स जीरो में सिक्सटी थाउजेंड में एड हो जाएगा फिर यह माइनस वो एंड सो ऑन सोफर इट्स वेरी इजी एक क्वेश्चन मैंने क्लास में अर दैन द इंटीट्यूट क्वेश्चन कराया हुई थिंक दैट इस बटर स क्वेश्चन दैन दिस क्वेश्चन बिकॉज दर इज देर आर लॉट ऑफ स्टेप्स इन दट एंड दैट मेक्स अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड बेटर एक्चुअली क्रूड का समय आगे बढ़ जाऊँगा वो फ्यू मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का को कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं आता है कोई ऐसा बच्चा है जो इसको जिसको ये नहीं आता है मूव हेड फेयर प्राइजिंग ऑफ फ्यूचर्स यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल फेयर प्राइजिंग ऑफ फ्यूचर्स यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल ओके नाउ प्राइजिंग मतलब क्या होता है तुमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं आज तक इक्विटी पढ़ा है बॉन्ड पढ़ा है सारे चैप्टर्स के अंदर में प्राइजिंग ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट मैटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाई हम फाइनेंस में करते यही है हाउ टू कंप्यूट द प्राइस ऑफ अ एसेट फॉर दैट मैटर द फेयर प्राइस क्या होना चाहिए क्या चल रहा है उसके बेसिस से फिर डिसाइड करते हैं कि बाय करें कि सेल करें फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की फेयर प्राइस एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट दीज प्राइसेस आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम मॉडल तो कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि मैम ये क्या है ये तो मुझे सही नहीं लग रहा लेकिन वो मॉडल है मॉडल के कंस्टेंट रहेगा तो यहाँ पे जो प्राइसिंग हम फ्यूचर्स की करते हैं वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल इसका लॉजिक क्या है वो समझा देती है कि दो सिचुएशन मैंने एग्जाम्पल हमेशा सेम मेंटेन किया आई डोंट वॉन्ट टू चेंज एग्जाम्पल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्पेशली वेन यूर वर्कडअप ओके तो सपोज करो मैं हूँ और राधिका है दो जन है हम लोग और हम दोनों क्रूड का बिजनेस करते हैं मैंने रिपीट किया एग्जाम्पल का बहुत बार हम दोनों क्रूड का बिजनेस करते हैं फॉर दैट मैटर तो हम दोनों का क्रूड रिफाइनिंग का बिजनेस है और हम दोनों को पता है कि तीन महीने के बाद हम लोग को 50 बैरल्स की या 100 बैरल्स ऑफ क्रूड की ज़रूरत पड़ेगी एंड वी नो द प्राइस ऑफ द क्रूड आर अ लॉट फ्लक्चुएटिंग आई सो एम वी आर स्केट की प्राइस बढ़ नहीं जाए तो राधिका इज ए बिट रिस्क एवर्स पर्सन उसने क्या किया उसने हंड्रेड बैरल्स ऑफ क्रूड खरीद के आधी रख लिया उसका क्या गया स्पॉट की वैल्यू गई समझो कि क्रूड की वैल्यू का एक बैरल हंड्रेड रुपीज़ का है और उसने हंड्रेड बैरल्स खरीदे तो हंड्रेड इंटू हंड्रेड हम नहीं टेन थाउजेंड डॉलर्स उसका चला गया लेकिन मैंने किया कि मैंने क्रूड के बैरल्स नहीं ख़रीदा मैंने फिजिकल नहीं ख़रीदा मैंने क्रूड के फ्यूचर्स खरीद लिए तो मेरा कुछ नहीं गया कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल के अंदर में ट्रांजेक्शन कॉस्ट हम कंसिडर नहीं करते एंड दैट इज़ वाई मार्जिन भी नहीं आएगा मार्जिन इज़ अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द यूज़र ओके तो राधिका का टेन थाउजेंड डॉलर्स गया मेरा नहीं गया अब तीन महीने तक वो दस हज़ार डॉलर उसके फंसे में वो यूज़ तो नहीं कर सकती उसका ब्याज जाएगा मेरा वो भी नहीं गया लेकिन तीन महीने के बाद पता चला कि वो जो क्रूड रिफाइनरी से मेरे पास आने वाला था उसकी वो पाइपलाइन फट गई धाबी से जो पाइपलाइन आ रही थी जो मुझे क्रूड देने वाली थी फ्यूचर्स में भी मुझे डिलीवरी तो मिलेगी ना अल्टीमेटली लेकिन राधिका के पास तो क्रूड था पहले से बिकॉज उसने फिजिकल बाय करके रखा था तो वॉट शुड बी द प्राइस ऑफ द फ्यूचर्स फॉर दैट मैटर ऑफ क्रूड टूडे द प्राइस ऑफ द फ्यूचर्स ऑफ क्रूड शुड बी इक्वल टू द स्पॉट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग लाइंग टूडे प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट एंड माइनस द कन्वीनियंस ईल्ड फॉर गॉन और एक बात एक चीज और, कर, और एड करोगे स्टोरेज कॉस्ट राधिका का स्टोरेज कॉस्ट गया बिकॉज हंड्रेड बैरल्स ऑफ क्रूड वो इस तरह से नहीं रख सकते उसको उसको कहीं पे गोडाउन लेना पड़ेगा वेयर हाउस लेना पड़ेगा उसका पैसा देगा मेरा वो भी बच गया तो फ्यूचर्स की वैल्यू होनी चाहिए स्पॉट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट ऑन द स्पॉट वैल्यू प्लस द स्टोरेज कॉस्ट बट माइनस द कन्वीनियंस ईल्ड फॉर गॉन कन्वीनियंस ईल्ड ऑफ द ओनिंग द फिजिकल राधिका वॉज एन्जॉइंग दैट आई वॉज नॉट एंजॉइंग दैट सो फ्यूचर्स आर बैड बाई दैट अमाउंट बेसिकली अगर मैं बोलती हूँ कि आज स्पॉट की वैल्यू एक हज़ार है और उसी चीज की आज तीन महीने के फ्यूचर्स ग्यारह सौ रुपए इलेवन हंड्रेड रुपीज़ है तो शायद कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज के डेटा के हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद तीन महीने के बाद इस एसेट की वैल्यू इलेवन हंड्रेड होगी इसका ये लॉजिक होता है

ना कि स्पेक्यूलेशन और आर्बिट्राज करने के लिए सो so, सबसे पहले डेरिवेटिव्स आया कमोडिटीज के लिए राइस क्रॉप व्हीट क्रॉप को हेज करने के लिए और ये सालों साल हजारों सालों से एग्जिस्ट करता है ऑफ कोर्स इसकी जो राइटिंग अप हुई है इसकी इसकी लोगों ने जो इसको लिखा है बुक्स बनी है फॉर्मूलाज बने वो बहुत बाद में हुआ है मे बी लाइक इन नाइनटीन और समथिंग लाइक दैट नॉट बिफोर दैट सो बट यू इन योर पोर्शन ऑफ सी ए फाइनल आर यू आर सपोज टू फोकस ऑन द फ्यूचर्स ऑन द स्टॉक्स एंड नॉट कमोडिटीज एंड ऑल ओके सो वेन आई एम सेंग दिज स्पॉट प्लस ये ये कमोडिटीज के लिए है ओके okay, अगर इसी चीज़ को तुम तो स्टॉक्स के लिए अप्लाई करोगे तो स्टोरेज कॉस्ट आज के दिन में स्टॉक्स का डिमैट होता है डिमैट का कोई कॉस्ट नहीं होता है तो स्पॉट प्लस इंटरेस्ट सेव्ड माइनस डिविडेंड ईल्ड फॉर गॉन क्यों बिकॉज इफ यू बाय रिलायंस स्टॉक यू विल गेट डिविडेंड बट इफ यू बाय रिलायंस फ्यूचर्स यू आर नॉट कंसिडर्ड एज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड दैट इज वाई इफ यू ओन द फ्यूचर्स इफ यू ओन द फ्यूचर्स ऑफ रिलायंस you will not be getting the dividend and you have to make your price of the spot x dividend by removing the dividend component for that matter <laughs> derivatives does not allow you to enjoy dividend and that is why whenever you are trying to calculate the or you are trying to calculate the value of any derivative for that matter whether a future an option you will always try to make the spot price x dividend because derivative does not allow the holder एंजॉय द डिविड कॉम्पोनेट फॉर दैट मैटर इसलिए जब फ्यूचर्स की वैल्यू निकालोगे तब भी डिविडेंटाओगे और जब ऑप्शन मेंोगे तो डिविडेंट को तुमको हटाना पड़ेगा बिकॉज डेरविट इज वुड नॉट अलाउ यू टू एंजॉय दैट डिविडेंट कॉम्पोनेट फॉर दैट मैटर शिकागो में आया था राइट तो नाउ मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एस प्लस आई माइनस डी वाई द इंटरेस्ट रेट्स आर कंपाउंडेड ओनली वन इन एयर ओके तो तीन फार्मूला वापस बता रही हूँ तुमको डिपेंडिंग ऑन द रेट्स द टाइप ऑफ कंपाउंडिंग प्रोवाइडेड अगर साल में एक ही बार कंपाउंडिंग होता है बाय डिफ़ॉल्ट कितनी बार कंपाउंडिंग होता है ब्याज का या कोई रेट का साल में एक बार अगर साल में एक ही बार होता है कैसे पता चलेगा साल में एक बार की दो बार की तीन बार अगर वो सिर्फ लिखते हैं एनवलाइज या पर एनम और कुछ नहीं लिखते तो मतलब बाय डिफॉल्ट पर एनम ही होता है अगर साल में एक बार से ज़्यादा होगा तो तुम फार्मूला प्लस की जगह पे होगा कंपाउंडिंग और माइनस की जगह पे होगा डिस्काउंटिंग मैंने कल भी फॉरेक्स में ये बात तुमसे ऑलरेडी करी थी इसलिए भूलना नहीं ओके सो द रेट्स आर कंपाउंडेड मोर देन वंस एन ईयर क्यों किया था बिकॉज अगर सपोज करो कि तुम छः महीने के एंड पे निकल रहे हो याद है तुमको जो कल मैंने एग्जाम्पल किया था जहाँ पे हम लोगों ने थाउजेंड प्लस फाइव परसेंट यू नो काइंड ऑफ कितना था वो वन थाउजेंड प्लस फाइव परसेंट किया तो वो हो गया वन जीरो फाइव जीरो ओके एंड प्लस फाइव परसेंट करती हूँ तो वन वन जीरो टू फाइव तो मैंने तुमको एक बात बोली थी ना कि अगर तुम पूरे साल के एंड तक रहोगे तो तुमको पच्चीस जो कम्पा ब्याज के ऊपर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा अगर छः महीने में बाहर निकलोगे तो पच्चीस का आधा थोड़ी ना ले लोगे तुम तो वो पच्चीस का आधा नहीं आए वो गलती नहीं हो इसके लिए अपन एन को रेस्ट ऑफ तो द पावर करते हैं आई एम श्योर गैस यू आर गेटिंग द पॉइंट बिकॉज मैंने क्लास में बहुत डिटेल में ये पार्ट समझाया है तुमको ओके okay, और ये तो तुमको टेंशन नहीं क्या वो नीचे डेटा देंगे तुमको सब्सटीट्यूट करना है दिमाग लगाना डेली कंपाउंडिंग यस तुमको ना इसमें प्रॉब्लम होगी नहीं इसमें प्रॉब्लम होगी नहीं होगी प्रॉब्लम बीच वाले में एक्चुअली बिकॉज पहला वाला तुमको आता है लास्ट वाला तुमको कुछ करना नहीं बिकॉज वो तुमको ई का वैल्यू देंगे बीच वाले में थोड़ा तुम गुफ अप कर सकते हो बट आई डोंट नो मुझे नहीं लगता करना चाहिए तुमको आइडियली ना स्टॉक फ्यूचर्स आर द द ना वॉट इज स्टॉक फ्यूचर्स आर्बिट्राज स्टॉक फ्यूचर्स आर्बिट्राज इज़ अ प्रोडक्ट इट इज अ स्ट्रैटेजी इट इज अ स्ट्रैटेजी एक बात हमेशा ध्यान रखना आर्बिट्राज करने के पहले ये पता लगाना बहुत जरूरी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट वेदर द स्टॉक इज प्रॉपरली प्राइज्ड और नॉट कैसे आर्बिट्राज करोगे क्या बाय करना है क्या सेल करना है कैसे पता चलेगा पहले प्राइज़ तो निकालोगे किसी चीज़ की कि अच्छा इसका प्राइस जितना होना चाहिए उससे कम है यानी मैं बाय कर लेता हूँ इसका प्राइस जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है मैं सेल कर देता हूँ बिफोर कंडक्टिंग एनी आर्बिट्राज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंप्यूट द फेयर प्राइस ऑफ दैट एसेट तो स्टॉक फ्यूचर्स आर्बिट्राज में पहला स्टेप होगा कंप्यूट टीएफ थियोरिटिकल फ्यूचर्स प्राइस यानी प्राइस आज डेटा के हिसाब से क्या होना चाहिए ओके okay? फिर मार्केट जाके देखेंगे ओके okay, ये प्राइस जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है यह प्राइस जितना होना चाहिए उससे कम है अकॉर्डिंगली आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी वुड बी सेट तो क्वेश्चन के थ्रू करेंगे ज्यादा इजी पड़ेगा द स्टॉक ऑफ रिलायंस एनर्जी ट्रेड्स ट्वेल्व हंड्रेड वाइथ थ्री मंथ फ्यूचर्स ऑन स्टॉक ट्रेड एट रुपीज ट्वेल्व नाइन्टी द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टेन परसेंट पर आई न स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ डिविडेंड ऑफ वन परसेंट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा कि डिविडेंड कैसे लोगे डिविडेंड ईल्ड का डेटा तीन तरीके से तुमको दिया हुआ रहेगा तुमको मैंने अभी तुमको दो मिनट पहले बोला ना एक बात दैट यू हैव टू मेक यूर स्टॉक प्राइस एक्स डिविडेंड करेक्ट है तो मैं जैन वन को खड़ी हूँ सुनना एग्जाम ये सम्स की नहीं डेरिवेटिव में सम्स नहीं पढ़ा रहे डायरेटिव में कॉन्सेप्ट ज्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बिकॉज बच्चों को समझता ही कम है वो थोड़ा अगर जितनी ज्यादा यू नो इफ इफ आई एम एबल टू वैल्यू एड ऑन द कॉन्सेप्चुअल पार्ट इट इट यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन द सेम सम एक्चुअली दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट हर नाउ इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन जैन वन ओके एंड द मेचोरिटी ऑफ द फ्यूचर्स इज थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च एंड अगर कंपनी तुम्हारी जो कंपनी है वो अगर डेटा दिया हुआ है डिविडेंड पर एन ट्वेल्व परसेंट यानी कि पूरे साल का डिविडेंड दिया हुआ है तो तुम तो फ्यूचर्स की प्राइस तीन महीने की निकाल रहे हो ना तो तुम पूरे साल का डिविडेंड थोड़ी ना एक्स करोगे तुम सिर्फ वो तीन महीने का डिविडेंड लोगे राइट यहाँ पर एनम बोला है क्या द स्टॉक इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ डिविडेंड ऑफ वन परसेंट यानी कि ये सिर्फ तीन महीने का वन परसेंट दे रखा है यानी वो पूरा वन परसेंट आएगा इसमें टाइम एडजस्टमेंट नहीं आएगा बिकॉज एनुअलाइज नहीं है तीन महीने का वन परसेंट इसलिए वो वन परसेंट पूरा माइनस करोगे अगर समय उन्होंने बोला होता अगर उन्होंने बोला होता द कंपनी पेज एनुअल डिविडेंड ऑफ ट्वेल्व परसेंट डिविड इन ईल्ड ऑफ ट्वेल्व परसेंट टू बी पेड विद इन द थ्री मंथ तो तुम दो की ईयरली है पर तुम टाइम एडजस्टमेंट नहीं करोगे बिकॉज वो ये बोलना चाह रहा है कि पूरा का पूरा 12 परसेंट उसी तीन महीने के अंदर आने वाला है तो so, तुमको अपने स्टॉक को एक्स डिविडेंड बनाना पड़ेगा बिकॉज योर स्टॉक वुड बी ट्रेडिंग कम डिविडेंड विद द होल अमाउंट ऑफ द डिविडेंड ना तुमको बेसिकली पूरा डिविडेंड कॉम्पोनेंट उस तीन महीने के अंदर जो भी है उसको हटाना है तो अगर उन्होंने एनुअल डिविडेंड रेट दिया हुआ है तो तीन महीने का ही लो ओके बिकॉज तीन महीने के अंदर तीन महीने का ही लेगा लेकिन अगर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बारह परसेंट एनुअल डिविडेंड है बट उस तीन महीने के अंदर ही होगा सारा तो पूरा बारह ओके टाइम एडजस्टमेंट नहीं करोगे और अगर इस तरह से दिया है तो सिर्फ वन परसेंट माइनस होगा आई होप यू यू अंडरस्टूड आर आर यू गेटिंग द पॉइंट सो फाइंड आउट द थियोटिकल फ्यूचर्स प्राइस एंड चेक फॉर आर्बिट्राज एंड प्रोसेस ऑफ आर्बिट्राज इफ द प्राइस ऑन मेचोरिटी टर्न आउट टू बी केस वन थाउजेंड इन केस टू फिफ्टीन हंड्रेड तो स्पॉट की रेट दे रखी है ए एफ इज एक्चुअल फ्यूचर्स प्राइस लॉट साइज दे रखा है यहाँ निकालते हैं बंदे को एस प्लस आई माइनस डी वाई किया वैल्यू वाई कितनी वन टू वन एट होना कितना चाहिए वन टू वन एट और है कितना ट्वेल्व नाइन्टी दैट मीन्स द एक्चुअल फ्यूचर्स प्राइस इज सिंस एक्चुअल फ्यूचर्स प्राइज इज ग्रेटर दैन द थियोरिटिकल फ्यूचर्स प्राइज फ्यूचर्स आर ओवर वैल्यूड एंड वी शुड फ्यूचर्स एट ट्वेल्व एंड बाय स्टॉक एट ट्वेल्व हंड्रेड इसका लॉजिक याद है तुम्हें मैंने एक चीज बताई थी तुमको टी एफ सपोज करो कि एस प्लस आई माइनस डी वाई होता है राइट तो ए एफ भी वही होता होगा एस प्लस आई माइनस डी वाई राइट तो अज्यूम दैट आई एम कीपिंग दिस टू आइटम्स एस कॉन्स्टेंट आई कीप दिस टू ये आई थिंक आई टेक दिस माइन इज ओके तो ये ये वाला जो पार्टन इसको कॉन्स्टेंट करके दो सौ रुपया रख देते हैं राइट ना ये जब याद रखना जब टी एफ कैलकुलेट करते हैं तो ये एस हम हब्सटीट्यूट करते हैं मार्केट से उठा के तो अज्यूम करो कि ये आठ सौ है ये आठ सौ है ये आठ सौ है तो आइडियली ये टी एफ कितना हो गया एक हज़ार हो गया एट हंड्रेड एंड प्लस टू हंड्रेड बिकम्स वन थाउजेंड रुपये दैट मीन थियोटिकल फ्यूचर्स प्राइस बिकम्स वन थाउजेंड राइट बट मार्केट फ्यूचर्स मार्केट में गई तो मालूम पड़ा कि भाव चल रहा है बारह सौ रुपये का ओके okay? तो ये बारह सौ में अगर इस बारह सौ में से ये दो सौ में माइनस कर दूँ तो स्टॉक की शुड भी प्राइस आती है एक हज़ार तुमको समझा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ मैं तुमको ये बोलना चाह रही हूँ कि या तो ये 800 सही है उस हिसाब से फ्यूचर्स की प्राइस 1000 हज़ार होनी चाहिए थी मार्केट के अंदर में ओके लेकिन फ्यूचर्स की प्राइस 1000 नहीं होकर के मार्केट में अगर 1200 है तो अगर फ्यूचर्स की प्राइस ये सही है तो फिर स्टॉक की प्राइस 800 सौ न एक होना चाहिए था तो फ्यूचर्स आर रिलेटिवली ओवर वैल्यूड सबसे पहली बात ये हज़ार आया ही क्यों ये हज़ार इसलिए आया बिकॉज स्टॉक की वैल्यू जो गई आठ वो अंडर वैल्यूड थी तो फ्यूचर्स आर रिलेटिवली ओवर वैल्यूड एंड द स्टॉक इज रिलेटिवली अंडर वैल्यूड तो यू विल सेल फ्यूचर्स एंड यू विल बाय द स्टॉक ये स्ट्रैटेजी प्रोडक्ट है इन ऑर्डर टू अर्न आर्बिट्राज तो वो यहाँ लिखा हुआ है एंड बाय द स्टॉक एट स्पॉट तो तुमने दो पोजिशन अपने ओपन कर लिए तुमने फ्यूचर्स को तुमने सेल कर दिया और स्टॉक को तुमने बाय कर लिया मेचोरिटी वाले दिन अगर स्टॉक प्राइस एक बात का और ध्यान रखना डेरिवेटिव्स के अंदर में वो ये है दैट अगर तुम अगर सम के अंदर में ये होता है ना ध्यान दो ये होता है ना तो यहाँ पे सपोज़ ये कैश मार्केट है ये कैश मार्केट है ये डेरिवेटिव मार्केट है राइट ये डेरिवेटिव मार्केट है तो यहाँ पे ज़ीरो है ये भी ज़ीरो है और ये प्राइस सपोज़ हंड्रेड है और यहाँ पे तीन महीने के बाद सपोज़ करो कि प्राइस हो गई वन ट्वेंटी ओके यहां पे प्राइस चल रही है सपोज़ करो कि वाट वन थर्टी अगर यहाँ आइडियली वाट आई वॉन्टू टू से इज दैट आइडियली दिस प्राइस दिस प्राइस एंड दिस प्राइस शुड बी द सेम सो अगर क्वेश्चन के अंदर में ये कैश मार्केट की और डेरिवेटिव मार्केट की दो प्राइस अलग अलग दे रखी है तो so अकॉर्डिंगली तुम स्कोयर ऑफ करोगे और अगर उन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा है तो यू विल अज्यूम एस इक्वल टू एफ ऑन द डे ऑफ मेचोरिटी जो मैंने यहाँ पे दे रखा है तुमको ओके सो प्रॉफिट ऑन फ्यूचर्स तुमने फ्यूचर्स को सेल किया था 1290 पे अब तुम बाय करोगे 1000 पे एंड यू अर्न मनी हियर प्रॉफ़िट ऑन स्टॉक तुमने स्टॉक को बाय किया था कितने पे बारह सौ रुपए पे और प्राइस कितनी हज़ार में तुम सेल करोगे तुमको लॉस होगा और तुमने स्टॉक खरीदा तुमने ब्याज दिया तुमको डिविडेंड का गेन मिला नेट एटीन थाउजेंड बेसिकली यू नो वॉट इज एटीन थाउजेंड एटीन थाउजेंड इज नथिंग बट एफ माइनस टी एफ मैंने तुम्हें पहले ही आंसर पता था एफ इज़ ट्वेल्व नाइन्टी माइनस वन टू वन एट द होल इंटू द होल इंटू टू फिफ्टी अगर करोगे तो एटीन थाउजेंड आएगा दैट मीन्स द आर्बिट्राज प्रॉफिट इज़ नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ मिस प्राइसिंग यानी ए एफ और टी एफ के बीच में जो मिस प्राइसिंग थी ट्वेल्व नाइन्टी माइनस ट्वेल्व वन एट दैट इज़ वॉट इज एटीन थाउजेंड जो कि इतना बड़ा प्रोसेस करके हम लोग को निकालना पड़ा बट एग्जाम में तुमको ये प्रोसेस दिखाना पड़ेगा वेट ऑफ द क्वेश्चन देख लेना मैं बढ़ रही हूँ आगे एफ एफ कैलकुलेट नहीं किया है मोहम्मद आई have नॉट कैलकुलेटेड ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड इज फ्रॉम द मार्केट आई from the द मार्केट मैं बोल रही हूँ मैंने कैलकुलेट टी एफ किया है ओके आठ सौ प्लस दो सौ एक हज़ार ओके आई हैव नॉट कैलकुलेटेड ये तो मैंने मार्केट से बारह सौ उठाया है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर बारह सौ सही है या तो ये कॉम्बिनेशन सही होगा या तो ये कॉम्बिनेशन सही होगा दोनों सही नहीं हो सकते ना ट मीन्स अगर स्टॉक की प्राइस एट हंड्रेड इज करेक्ट तो फ्यूचर्स के प्राइस हजार होनी चाहिए बट फ्यूचर्स की प्राइस एक हजार नहीं है बारह सौ है तो अगर फ्यूचर्स की प्राइस बारह सौ सही है तो फिर स्टॉक की प्राइस आठ सौ एक हजार होनी चाहिए वो बोलना चाह रही थी मैं ना दो नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज करेंट प्राइस ऑफ ये क्वेश्चन पर इतने डाउट आते हैं पता नहीं क्यों आते मुझे भी नहीं पता क्यों आते हैं लेकिन एवरी अदर स्टूडेंट आस्क में डाउट ऑन दिस Suppose current price of an index is 13,800 and yield on index is 4.8% per annum. A six-month futures contract on index is trading at 14,340. Okay? Same question which we did. Assuming that risk-free rate of interest is 12%, show how Mr. X can earn an abnormal rate of return irrespective of outcome after six months. You can assume that after you guys don't give me a shock that you do not know this question, okay you can assume that after 6 months index closes at 10200 and 15600 and 50% of the stocks included in the index shall pay dividend in next 6 months very nice sum actually you can be asked this question again in the paper actually it is a very nice sum 13800 spot 13800 into 12% into 6 by 12 interest liye 13800 into 4.8% into 0. 0.5 you know this 6 by 12 वो क्या बोल रहा है समय इंडेक्स है इंडेक्स है तो इंडेक्स में सपोज करो कि हंड्रेड स्टॉक्स हैं जीरो सिक्स मंथ्स एंड ट्वेल्व मंथ्स तो क्या बोल रहा है कि ये छः महीने में ना अगर हंड्रेड परसेंट ये पूरे हंड्रेड परसेंट स्टॉक्स हैं तो ये छः महीने में जितने स्टॉक लिस्टेड हैं ना उसके फिफ्टी परसेंट कंपनीज अपना पूरा डिविडेंड ये छः महीने में देगी और बाकी यहाँ पर देगी तो ये जो पॉइंट है ना फोर पॉइंट एट पूरा लिया हुआ है ये पूरा लिया बिकॉज ये फिफ्टी परसेंट स्टॉक अपना पूरा डिविडेंड ये छह महीने में देने वाले हैं ये लॉजिक है ये छे बाई बारह का पॉइंट फाइव नहीं है पॉइंट फाइव है कि भाई इंडेक्स के फिफ्टी परसेंट कंपनी अगले छह महीने में देंगे लेकिन ये ये सारी कंपनीज अपना फिफ्टी परसेंट पूरा का पूरा भी देंगे तो तुमने निकाला यहां पे ओके okay. <coughs> तो कितना आया फोर्टीन टू नाइनटी सिक्स सिंस प्रेजेंटली द फ्यूचर्स आर ट्रेडिंग एट फोर्टीन थ्री फोर्टी यानी फ्यूचर्स आर ओवर वैल्यूड यू विल कंडक्ट कैश एंड कैरी आर्बिट्रा दैट इज सेल फ्यूचर्स एट फोर्टीन थाउजेंड थ्री फोर्टी एंड बाय स्पॉट सेम जो मैंने ऊपर वाले सम में किया था तुमको पता है एक चीज़ यहाँ पे जो टैली वहाँ पे मैंने बनाया सेम टैली लेकिन तुम देखना यहाँ पे इन्होंने मैं जो मेन पार्ट बोलना चाह रही थी कि इन्होंने उस टैली के अंदर में इंटरेस्ट पार्ट नहीं लिया है इंटरेस्ट पार्ट नहीं लिया है इंटरेस्ट पार्ट नहीं, नहीं, नहीं लिया है ओके बच्चों का सवाल ही तो मैंने इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया क्योंकि उन्होंने वो तुमसे क्या पूछ रहे हैं कि रिटर्न कितना कमाएगा वो बताओ तो जैसे नहीं होता है कि कैपिटल बजटिंग में तुम आईआरआर कैलकुलेट करते थे राइट तो तुम जब आईआरआर कैलकुलेट करते थे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तुम कंपेयर करते हो ना कि अगर मेरा आईआरआर इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन आई शुड गो हैड राइट तो सिमिलरली इंटरेस्ट रेट यहाँ पे उन्होंने नहीं लिया है क्योंकि वही तो कैलकुलेट करना है तो एट सेवेंटी वन बाई ये सिक्स पॉइंट <coughs> थ्री वन परसेंट आया एंड एनुअल ट्वेल्व पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट आया तो एक्चुअली द इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन इज ट्वेल्व परसेंट फॉर दैट मैटर बिल्कुल आता है बिल्कुल आता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है रोहित इसके अंदर गड़बड़ करेंगे ही करेंगे बच्चे लोग गड़बड़ करेंगे ही करेंगे पहली गड़बड़ करेंगे यहाँ पे। पहली गड़बड़ करेंगे यहाँ पे। दूसरी गड़बड़ करेंगे यहाँ पे। अगर कोई बच्चा यहां पे इंटरेस्ट ले लेता है तो क्या होगा तुम्हारा आंसर पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट आएगा तो गलत नहीं है तुम्हारा तो ट्वेल्व पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट इज वॉट यू विल बी अर्निंग एंड योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल योर इंटरेस्ट रेट इज ट्वेल्व परसेंट शुड बी डू दिस और नॉट आर वी शुड डू बिकॉज आर अर्निंग पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट मोर बढ़ो आगे ऑल सेट हो सारे बच्चे हैजिंग ऑफ फ़ॉरेन करेंसीज यूजिंग फ्यूचर्स गड़बड़ होगी ही होगी इस क्वेश्चन के अंदर में कोई बच्चा या तो ऊपर करेगा या नीचे करेगा या दोनों जगह करेगा करेगा ही कंसेप्चुअल तो अंडरस्टैंडिंग बहुत बच्चों को नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में जो पॉइंट फाइव लिया तो क्यों लिया इंटरेस्ट रेट वहां पर नहीं इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं लिया क्यों नहीं लिया क्या लॉजिक है नो you know? तो देख के जाना यह क्वेश्चन मेरी बुक में ना तीन चार क्वेश्चन ऐसे हैं मुझे जो पुराने बच्चे हैं ना मेरे 2020 वगैरह में बाई किया तो मैंने उनको बोला उनके बुक में अगर जाके देखोगे ना तो चार क्वेश्चन बैक टू बैक है वो 10, 11, 12, 13 ऐसा करके 2020 वाली बुक में मैंने क्लास में हमेशा मेंटेन किया कि ये चार क्वेश्चन में से कम से कम मिनिमम एक तो पेपर में आएगा ही आएगा ट्रेंड है मेरा आज तक वो फेल नहीं किया है लास्ट वाले एग्जाम के अंदर में उस चार में से दो आए थे या तीन आए थे मेरे हिसाब से तो वो जो चार क्वेश्चन ऐसे वियर उसमें से ये क्वेश्चन एक है तुम्हारा ये क्वेश्चन एक है चार क्वेश्चन है ऐसे जिसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है विदाउट फेल आता है और बच्चे गड़बड़ करते ही करते हैं बिकॉज वो वियर्ड हैं चारों के चारों नो इट इज मोर इंपॉर्टेंट आई टेल यू समथिंग आई यू समथिंग निखिल दैट इफ यू लुक एट आई शो द इजियर वन if you net out these two now futures and spot you will get the same amount you will get the same amount okay it is important that you get some amount otherwise you will not get 18000 everywhere <laughs> so you yeah you, you are you are correct so futures and spot they they even out each other and eventually they give you the same net net amount वो चार क्वेश्चन कौन से हैं बता दूंगी अगर बोलोगे तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी शाम को ठीक है मैं कम्युनिटी पोस्ट में मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट है ना मैं वहां पे डाल दूंगी देख लेना ना हेजिंग ऑफ फॉरन करेंसीज यूजिंग फ्यूचर सो यू कैन कवर यू कैन हेज योर पेबल और इस वाई नो कवर फॉरवर्ड कवर यू नो ऑलरेडी दिस यू ऑलरेडी नो दिस ऑल्सो ओके हाँ, मैं वहां कम्युनिटी पोस्ट में चारों क्वेश्चन डाल दूंगा था आंसर्स के साथ में मनी मार्केट कवर हम पढ़ चुके हैं ये दोनों हमारे बाकी फ्यूचर्स कवर नाउ एक बात का तुम ध्यान रख लो डेरिवेटिव्स में अगर तुम्हें इफ यू आर लाइक स्केयर्ड ऑफ समथिंग गोइंग अप अगर तुम्हें किसी चीज के इंक्रीज होने से किसी चीज की प्राइस के इंक्रीज होने से लेट्स बी लेट्स टॉक इन इंग्लिश ओनली इफ यू आर स्केयर्ड ऑफ समथिंग गोइंग अप यू वॉन्ट टू मेक मनी लिख लो कहीं पर काम आएगा इफ यू आर अ फ्रेड ऑफ सम थिंग गोइंग अप और यू वॉन्ट टू मेक मनी बाय समथिंग गोइंग अप यू बाय इफ यू आर अ फ्रेड ऑफ समथिंग गोइंग डाउन इन डेरवेटिव इफ यू आर अ फ्रेड ऑफ समथिंग गोइंग डाउन और यू वॉन्ट टू मेक मनी बाय समथिंग गोइंग डाउन यू विल सेल फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ पेबल ओके इफ यू हैव अ पेबल देन यू आर अ फ्रेड ऑफ डॉलर रेट गोइंग अप सो यू बाय अ फॉरवर्ड बट इफ यू आर अ स्पेकुलेटर यू फील दैट okay i think market will go up then also you buy so if you are afraid of something going up or you want to make money by something going up you will buy if you are afraid of something going down okay or you are you are wanting to make money by something going down then you will sell so if you have a payable, you will be afraid of rates going up and if you are afraid of rates going down you will be afraid of rates going down uh, you will be afraid of like uh,

Three months. Suppose in the cash market, the rate today is 50 rupees per dollar. Okay, and the forward rate is rupees 53 per dollar, correct? Forward, maybe futures would be a better word because we are doing futures as of now. जी <laughs> जिसका डर है वो कर लो वो तो मैं करूँगी टेंशन मत लो तुम <laughs> किसी के पास अगर मास्टर मैनुअल है तो मुझे निकाल के बताओ मतलब तो मास्टर मैनुअल में से मैं नंबरिंग बता सकती हूँ तो फोटो क्लिक करके ग्रुप पे डाल देना जानवी और सम्बडी एस हुज़ गॉट माई मास्टर मैनुअल तो डेरिवेटिव्स निकालो तो मैं बता देती हूँ अभी के अभी बता देती हूँ और ये मत बोला आपने तो बोला था अरे नहीं तो नहीं आया ऐसा मत करना बिकॉज मैं भी भगवान नहीं हूँ मैं नॉर्मल ह्यूमन बींग है प्रॉबिलिटीज़ के हिसाब से बात करती हूँ ओके सो यह मेरे को पेबल है राइट तो मुझे और ये थ्री मंथ फ्यूच, फ्यूचर ये फ्यूचर्स है और ये स्पॉट है फोकस करो अपना काम करते हैं हम लोग क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी ये स्पॉट है समझो कि स्पॉट की रेट उस दिन हो गई फिफ्टी टू रुपीज़ फिफ्टी टू पर डॉलर हो गई राइट और यहाँ पे ये हो गया रुपीज़ फिफ्टी फोर रुपीज़ पर अलग हो सकता है तो मुझे क्या डर मुझे नाउ आई नो दैट दिस कैश मार्केट दिस इज कैश मार्केट ना दिस इज कैश मार्केट एंड दिस इज फ्यूचर्स मार्केट सो दिस इज डिराइविंग वैल्यू दिस इज डिराइविंग वैल्यू दिस मार्केट डिराइव वैल्यू फ्रॉम द स्पॉट मार्केट ओनली दैट यू नो ओके तो अगर ये बढ़ा अगर ये बढ़ा तो नीचे वाला भी बढ़ेगा तो मैं क्या करती हूँ कि मैं 53 पे फ्यूचर्स बाय कर लेती हूँ और ये बढ़ा 54 तो मैंने वन रुपीज़ पर डॉलर कमाया इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया बात खत्म एक रुपया पॉकेट में आ गया बात खत्म अगर मैं स्पेकूलेटर होती अगर मैं स्पेक्यूलेटर होती तो मैं घर चली जाती एक रुपया कमा करके लेकिन मैं स्पेकुलेटर हूँ क्या नहीं मैं हैजर हूँ तो मैं क्या करूंगी स्पॉट मार्केट में जाऊँगी और आई विल एंड आई विल बाई वन डॉलर एट रुपीज़ फिफ्टी टू ओके सो माई आउटफ्लो इज फिफ्टी टू आई अर्नड वन रुपीज़ इन द फ्यूचर्स मार्केट माई नेट आउटफ्लो बिकम्स फिफ्टी वन दिस इज ऑल अबाउट यूजिंग फ्यूचर्स इन ऑर्डर टू हैज योर करेंसीज नथिंग एल्स सो योर कॉस्ट बिकम्स फिफ्टी वन इन 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 स्टेड ऑफ फिफ्टी टू अगर तुमने कुछ नहीं किया होता तो तुम्हारा पेमेंट फिफ्टी टू का होता ना कि फिफ्टी वन का होता चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन ऑन टेन जीरो सेवन क्विकली गाइज इन इंडियन फॉर्म नोज दट इट हैज़ फाइव लैक नाइन्टी थाउजेंड डॉलर्स पेबल ऑन द टेन जीरो नाइन द स्पॉट रेट इज फोटी सेवन पॉइंट सिक्स फोर एंड आज के स्पॉट रेट का कोई काम नहीं है टू मंथ फॉरवर्ड रेट इज फॉर्टी सेवन पॉइंट एट फाइव पर डॉलर डॉलर फ्यूचर्स ऑफ मेचोरिटी ऑन द सेम डेट आर ट्रेडिंग एट फोर्टी सेवन पॉइंट एट नाइन ओके पूरा डेटा यहाँ समराइज किया ऑफ रीडिंग मैं रादर इस पर फोकस करूंगी फाइव लैक नाइन्टी थाउजेंड डॉलर टू मंथ फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है डॉलर फ्यूचर्स एट टी इक्वल टू जीरो क्या मतलब हुआ उसका यहाँ वाली रेट देखो ये वाली रेट डॉलर फ्यूचर्स ऑन मेचोरिटी फोर्टी सेवन पॉइंट नाइन फाइव कौन सी वाली रेट ये वाली रेट ये वाली रेट ओके okay? ना एक्सपेक्टेड स्पॉट यानी स्पॉट मार्केट का रेट क्या मतलब हुआ ये वाली रेट ये वाली रेट ओके सो बी वेरी केयरफुल ना नो कवर अगर करोगे मतलब बैठे रहो 47.95 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर यानी तुमने अगर कुछ भी कवर नहीं लिया तो योर आउटफ्लो विल बी दिस अगर तुमने फॉरवर्ड कवर लिया टिस् पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट तुमको मार्क्स भी नहीं मिलने चाहिए उसके फ्यूचर्स कवर फ्यूचर्स कवर ओके सो क्या है तुम्हारा पेएबल है so what are you afraid of i am afraid of dollar going up why because you have a dollar payable agar dollar ki rate badhi to hame jyada payment karna padega okay okay so now what i am saying is that if you are afraid of शांति से sunna ये point बहुत important है. अगर तुम्हें इफ़ यू आर फ्रेड ऑफ डॉलर गोइंग अप सो आइडियली यू शुड बाय डॉलर फ्यूचर वाई अगर तुम्हें ये बात का डर है कि डॉलर बढ़ेगा तो डॉलर का फ्यूचर भी बढ़ेगा और अगर डॉलर का फ्यूचर बढ़ा तो हम पैसा कमाएंगे जैसे हमने एग्जाम्पल में एक रुपया कमाया और उस अगर उस पैसे से हम अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं ओके डॉलर फ्यूचर किसको बोलेंगे रुपी पर डॉलर यानी कि डिनोमिनेटर में अगर डॉलर है फ्यूचर्स के रेट में तो उसको डॉलर फ्यूचर बोला जाता है इसके खानदान का नाम उसके डिनोमिनेटर से चलता है आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड ऑल ऑल दीज थिंग्स मुझे याद नहीं है मैं देख के बता पाऊंगी चार क्वेश्चन है बैक टू बैक थर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन सेवनटीन है मी सी ना मैं मुझे बीच में टाइम देना तो मैं बता दूंगी तुमको तुम जाके देखो पिछले कोई भी पेपर उठा के देख लो कोई एक नए क्वेश्चन होगा ही उसमें से पॉसिबल नहीं कि नहीं होगा हाँ क्यों नहीं चलेगा बिल्कुल चलेगा साइड में बनाना रफ रफ पार्ट में ओके नाउ दैट मीन इंडियन फॉर्म एज डॉलर पेबल एंड हैंस इट इज अफ्रेड ऑफ डॉलर गोइंग अप आइडियली इट शुड बाय डॉलर फ्यूचर्स एंड सिंस डॉलर फ्यूचर्स आर अवेलेबल इट बाइज देम एट द रेट ऑफ 47.89 पर डॉलर एंड स्क्वेयर्स देम ऑफ एट 48.07 लेकिन फ्यूचर्स को यूज़ करने के लिए तुमको उसको लॉट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक लॉट वन लाख डॉलर्स का है तो 5.90 पॉइंट नाइन जीरो लॉट्स ये या तो पांच करो नहीं या तो छः करो और या तो पांच करो और नाइन्टी थाउजेंड तुम करो फॉरवर्ड मार्केट में आई एम श्योर एवरीबडी नोज दैट तो प्रॉफिट ऑन स्क्वेयरिंग ऑफ यानी 48.07 एट माइनस फोर्टी हमेशा सेल प्राइस माइनस बाई प्राइज नेवर डू पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ नहीं सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस तो ये अगर स्पेक्यूलेटर होता ना दिस इस वन लेख एट थाउजेंड लेकर के वो घर चला जाता लेकिन ये अपन स्पेक्यूलेटर हैं क्या नहीं अपन हैजर हैं तो अपन क्या करेंगे अपन स्पॉट कैश मार्केट में जाके अपन खरीदेंगे और इससे अपने प्रॉफिट को अपने कॉस्ट को अपन कम करेंगे सेम लॉजिक राय सेम वहाँ पर मैंने एक रुपया कमाया पॉकेट में रखी कैश मार्केट में गई डॉलर एक खरीदी और फिफ्टी में से वन माइनस हुआ मेरा आंसर हो गया फिफ्टी केस टू अगर ये तुम राउंड ऑफ करते हो तो देखो सिक्स लॉट्स में राउंड ऑफ किया अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो राउंड ऑफ करना अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि बैलेंस को फॉरवर्ड मार्केट में करना है तो फिर उस हिसाब से जाना प्रॉफिट ऑन स्क्वेयरिंग ऑफ देखो पांच लॉट लिया ना यहाँ पे पांच लॉट पे काम चल रहा है तो तुमने पांच लॉट रिप्रेजेंट्स वॉट फाइव लैक तो फाइव एंड बाकी फॉरवर्ड मार्केट में नाइन्टी थाउजेंड तुम करोगे राइट कॉस्ट ऑफ परचेस इन द ये पाँच लाख के लिए है तो तुम्हारे फ्यूचर्स का जो फ्यूचर्स में तुमने हज किया है पांच लॉट इक्वलेंट टू फाइव लैक्स वही तुम्हारा कैश मार्केट में आना चाहिए दोनों मैचिंग होने चाहिए तो तुम्हारी फाइव लैक्स की डिलीवरी होगी कैश मार्केट में नाइन्टी थाउजेंड की डिलीवरी होगी फॉरवर्ड मार्केट में और बाकी जो तुमने प्रॉफिट कमाया है वो नेट हो जाएगा यहां पे और ये तुम्हारा आंसर हो गया आगे बढ़ रही हो गाइस ये जो क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज विथ इनडायरेक्ट कोटेशन मतलब आई एम अ फ्रेड ऑफ डॉलर गोइंग अप बट सो आइडियली आई शुड गेट रुपी पर डॉलर का रेट इन फ्यूचर्स बट इंस्टेड ऑफ रुपी पर डॉलर का रेट दे आर गिविंग अस डॉलर पर रुपी का रेट तो हम क्या करेंगे सुनना ध्यान से आई एम आई हैव अ पेबल ऑफ डॉलर वन lakh. आई एम afraid of ऑफ डॉलर गोइंग अप आइडियली आई शुड dollar डॉलर फ्यूचर जब मैं ये लाइन बोलती हूँ तो क्या मीनिंग होता है आइडियली अच्छा होता अगर मेरे पास फ्यूचर्स का कोटेशन रुपी पर डॉलर होता तो मैं क्या करती डॉलर फ्यूचर बाय कर लेती बाद में स्क्वायर ऑफ सेल कर देती स्क्वायर ऑफ हो जाता लेकिन अगर खुदा न खास्ते अगर उन्होंने मुझे रुपी पर डॉलर का रेट नहीं दे करके डॉलर पर रुपी का अगर रेट दिया तो मैं क्या करूं डॉलर पर रुपी इज़ नॉट कॉल्ड डॉलर फ्यूचर इट इज़ कॉल्ड रुपी फ्यूचर्स तो व्हाट विल यू डू यू विल यू बाय तुम आंसर करोगे इफ आई हैव अ पेबल देन व्हाट विल आई डू विद द रुपी फ्यूचर्स आई विल बाय रुपी फ्यूचर्स और सेल रुपी फ्यूचर्स आंसर प्लीज नहीं आकाश दोनों नहीं करना पहला वाला करना राउंड ऑफ करके लॉट्स को करना दोनों नहीं करना उतना टाइम मिलेगा नहीं पेपर के अंदर में सेल रूपी फ्यूचर्स करेक्ट यू विल सेल रूपी फ्यूचर्स गाइज बिकॉज द वे यू आर अफ्रेड ऑफ डॉलर गोइंग अप सिमिलरली यू आर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ रुपीज गोइंग डाउन जिस तरह से तुम्हें डॉलर के बढ़ने का डर लगता है डॉलर एक ही तो बात हो गई दिमाग चलाओ अपना डॉलर अप्रिशिएट मीन्स रुपी ड्रीशिएट द व वे यू आर अ फ्रेड ऑफ डॉलर गोइंग अप सिमिलरली यू आर ऑल्सो रुपीज गोइंग डाउन द वे यू आर अ फ्रेड ऑफ डॉलर अप्रीशिएटिंग यू आर ऑल्सो फ्रेड ऑफ रुपी डप्रीशिएटिंग लेकिन एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यह है प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा जो लॉट का साइज है ना तुम्हारा जो लॉट का साइज किधर गया लॉट का साइज ये देखो तुमको पता है सीक्रेट ये सारी बातें मुझे एमश्योर जो बच्चा कल पेपर परसों पेपर लिखने वाला है उनको ये समझ नहीं आते मैं नहीं मानती और अगर नहीं आते हैं ना अगर तुमको तो मतलब मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा कि पढ़ाई तुम्हारी बराबर नहीं हुई है अभी वो बात भी मत सोचो जो चल रहा है चलने दो मुझे तो तु, 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 तुम्हें पता है ये सम मैं जब तुम्हारे एज की थी ना तो मैंने कुछ कुछ अपने नुस जैसे रूल्स ऑफ कन्वर्जन एंड ऑल ये सब निकाले थे अपने लिए कि भाई मैं फटफट सम कर पाऊँ मुझे तो पता नहीं था उस वक्त मैं पढ़ाने के बिजनेस में जाने वाली हूँ तो तुमको पता है मैं कैसे अंदाजा लगाती हूँ कि ये क्वेश्चन इंडरेट कोट का है मेरा एक्सपोजर है डॉलर वाला क्या है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है रिसिवेबल एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है रिसिवेबल ओके तो यू अ रिसिवेबल डॉलर तो मेरा अगर ये वाली चीज़ और लॉट साइज का चीज़ अगर मैच नहीं करता तो क्वेश्चन इन डायरेक्ट कोर्ट का है दिखाओ एक चीज तुमको देखो यहां पर देख ही लो तुम आज क्या याद करोगे तुम मेरे को देखो यहां पे फाइव लैख नाइनटी थाउजेंड एक्सपोजर है तुम्हारा पेबल ओके और कॉन्ट्रैक्ट की साइज देखो दिखा क्या मैच कर रहे हैं ना दोनों मैच कर रहा है तो डायरेक्ट कोर्ट का सम है या मैच नहीं कर रहा है तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट कोर्ट का सम है अब आगे बढ़ते हैं सम में क्या करना है यूजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो क्या करोगे वन लाख डॉलर्स को इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा सेकेंड यूजिंग करेंसी फ्यूचर्स नाउ करेंसी फ्यूचर्स में कैसे बात करेंगे द फर्म सुनो अच्छे से शांति से द फर्म हैज द फर्म हैज अ डॉलर रिसिवल इट इज़ अ फ्रेड ऑफ डॉलर गोइंग डाउन सो आइडियली इट शुड सेल डॉलर फ्यूचर्स बट सिंस डॉलर फ्यूचर्स आर नॉट अवेलेबल रा रुपी फ्यूचर्स आर अवेलेबल सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग डॉलर फ्यूचर्स वी कैन बाय रुपी फ्यूचर्स वी वन विल यू बाय जून और यू जून जून और सितंबर जब जून बोला तो इसका मतलब होता है जून एंड बाय डिफॉल्ट सितंबर मीन सितंबर एंड तुम कहाँ खड़े हो तुम कहाँ पे खड़े हो हम जून वन को खड़े हैं ओके okay? तो जून और सितंबर वन को हमारा मेजॉरिटी है जून जुलाई अगस्त तीन महीने का हमको तीन महीने का फ्यूचर चाहिए लेकिन उन्होंने क्या दिया है उन्होंने दिया है वन मंथ फ्यूचर एंड फोर मंथ फ्यूचर करेक्ट ना उन्होंने दिया है वन मंथ फ्यूचर और फोर मंथ फ्यूचर तुम कौन सा लोगे एक महीने वाला लेके मैं क्या करूंगी अंडर हैजिंग अंडर हैजिंग तो तुम क्या करोगे चार महीने वाले में घुस जाओ और तीन महीने में निकल जाओ बाहर निकलना तो अलाव ही बीच के अंदर बीच में ओके okay. तो कोई मुझे प्लीज बताएगा कि जो फ्यूचर्स तीस सेप्टेम्बर को एक्सपायर कर रहा है उसको फर्स्ट सेप्टेंबर को क्या बोलोगे जो फ्यूचर सितंबर एंड में मेच्योर हो रहा है उसको फर्स्ट सितंबर को क्या बोलेंगे वन मंथ फ्यूचर बोल सकते हैं क्या जल्दी बोलो फटाख से बोलो गैस अपन लेट हो रहे हैं चलो मैं आगे बढ़ती हूँ यहाँ से ओके सो बेसिकली हियर हियर सो वन लाख यू विल डिवाइड हाँ फर्स्ट यू विल कन्वर्ट फर्स्ट यू विल कन्वर्ट दिस अमाउंट इं टू रुपीज़ इन ऑर्डर टू यूज़ रुपीज़ फ्यूचर हाँ बोल सकते हैं ना हम बोल सकते हैं देखो यहाँ पे ये जो है ना ये ये वन मंथ फ्यूचर है सेप्टेम्बर सेप्टेंबर वन को सेप्टेंबर वन को फ्यूचर्स uh, का रेट सेप्टेंबर वन को फ्यूचर्स का रेट ओके सेप्टेंबर वन को फ्यूचर्स का रेट जो फ्यूचर्स तीस सेप्टेंबर को एक्सपायर होने वाला है उसका फर्स्ट सेप्टेम्बर को रेट दिया हुआ है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं तुमने क्या किया यहाँ पे दस लॉट निकाला इनिशियल मार्जिन तुमने निकाला और उसके बाद तुम अब करोगे स्क्वेयर ऑफ गाइज सो वेरिएशन मार्जिन करेक्ट सो वेरिएशन मार्जिन यहाँ पे तुमने दोनों का निकाल डिफरेंस निकाला तुमने जिस प्राइस पे रुपी फ्यूचर्स को तुमने बाय किया था तुमने बाय किया था राइट द वे बाय किया था तो अभी तुम सेल करोगे वैल्यू निकालोगे और वापस सेम तरीके से सम गएगा इस कैन यू मैनेज गाइज कैन आई मूव हेड या तो फिर मुझे लिख के दिखाना पड़ेगा कैन यू मैनेज दिस सम आर यू आर कंफर्टेबल कैन आई मूव हेड तुम पहले क्या करोगे तुम अपने आ, जो तुम्हारा वन लैक डॉलर्स है उसको तुम रुपी फ्यूचर्स का रेट यूज़ करोगे रुपी फ्यूचर्स का रेट लुक एट दिस रुपी फ्यूचर्स ये वाला रुपी फ्यूचर्स के रेट से तुम उसको कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारी ये जो एक्सपोजर है वो रुपीज़ में आ जाएगी तुम लॉट साइज से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ लॉट्स आ जाएगा राइट और फिर उसके बाद तुमने पॉइंट जीरो टू वन डबल वन एट पर तुमने रुपी फ्यूचर्स बाय किया है और जो ये रेट दिया हुआ है यहाँ पे ये वाला इस पर तुम सेल करोगे पॉइंट जीरो टू वन थ्री फोर Look at this. Tum sell, karu, sell price minus buy price. How many lots? This many lots? And this is your answer. Because you know kind of uh, either I if I discuss too much and you get you will get confused more. बिकॉज मैं अगर मैं लिखती पूरा सम तो बेटर होता बट लिखने का टाइम नहीं है अपने पास में तो अगर तुमको ये सम आता है तो मैं ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहती रादर आगे बढ़ना चाहूंगी तो मुझे बताओ ये सम अगर मैं वर्बली ज़्यादा डिस्कस करूँगी ना तुम कन्फ्यूज़ ज़्यादा कर जाओगे करने को मैं कर सकती हूँ तो सेम स्टेप्स तुमको लेने क्योंकि प्रेजेंटेशन आई का हमारा वाला प्रेजेंटेशन नहीं है ये संग में गो हैड नाउ बिकॉज जहां पे रेट्स की ज्यादा यूज आती है ज्यादा एडजस्टमेंट्स होते, तो होते हैं ना तो वहां कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं अगर वर्बली बात करो तो लिखते हैं तो बेटर होता है ओके ओके हेजिंग ऑफ स्टॉक पोर्टफोलियो यूजिंग फ्यूचर्स सो ये क्या टॉपिक है बताऊं क्या तुमको सुनना ध्यान से सपोज करो कि मैं फंड मैनेजर हूं और मेरे पास एक पोर्टफोलियो है ओके आई एम फंड मैनेजर और मेरे पास एक पोर्टफोलियो है मेरे पास एक पोर्टफोलियो होने का मतलब क्या हुआ मैंने एक पोर्टफोलियो बाय कर रखा है स्टॉक्स का तो मुझे किस बात का डर लगेगा मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं मार्केट नीचे नहीं गिर जाए ओके okay, मुझे इस बात का डर लग रहा है कहीं मार्केट नीचे नहीं गिर जाए तो मैं क्या करूंगी फ्यूचर्स को मैं सेल कर दूँगी आई विल सेल फ्यूचर्स ओके सो दैट कि अगर मार्केट नीचे गिरा तो मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू नीचे गिरेगा तो वो जो लॉस होगा मुझे कैश मार्केट में वो फ्यूचर से हम ऑफसेट कर लेंगे बिकॉज मैंने अगर फ्यूचर सेल किया और जब स्क्वायर ऑफ करूंगी नीचे जाके तो मुझे गेन होगा उस गेन से पोर्टफोलियो का लॉस ऑफसेट हो जाएगा दैट इज़ हाउ इट वर्क्स सो कंसीडर अ फंड मैनेजर मैनेजिंग अ कॉर्पस ऑफ 250 फिफ्टी करोड़ कंप्राइज एज फॉलोअर्स दिया हुआ है सो वन फिफ्टी करोड़ का ये ये इस, इसका तुमको पूरा बीटा निकालना पड़ेगा सो हाउ मेनी निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट शुड बी बॉट और सोल्ड फॉर कंप्लीट हैजिंग कंप्लीट हैजिंग मीन्स क्या होता है कि अगर सपोज करो मेरा पोर्टफोलियो दो करोड़ का है एज्यूम करो 200 करोड़ का अगर मेरा पोर्टफोलियो है और अगर मार्केट नीचे जाता है तो सपोज करो मुझे 10 करोड़ का लॉस हुआ पोर्टफोलियो में तो मुझे फ्यूचर्स उतने मुझे उतने फ्यूचर्स से हेजिंग करनी है कि पूरा का पूरा 10 करोड़ रुपया जो मुझे लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ मार्केट गोइंग डाउन वो मुझे फ्यूचर से पूरा ऑफसेट हो जाए यानी कि मेरा लॉस और गेन दोनों ऑफसेट उसको बोलते हैं कंप्लीट हैजिंग या या परफेक्ट हैजिंग नाउ अगेन द इक्वेशन दैट वी यूज इन द क्लास इज़ दिस वन VP पी इज़ वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो बी टी इज़ टारगेट बीटा ऑलवेज रिमेंबर अगर तुम्हें कम्प्लीट हैच या परफेट हेच करना है अगर तुम्हें कंप्लीट हेच या परफेक्ट हेच करना है तो BT को तुमको टारगेट बीटा को तुमको जीरो पे सेट करना पड़ेगा BP हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जो डेटा दिया हुआ है उससे 2.056 पॉइंट जीरो फ़ाइव सिक्स तुम्हारी पोटफोलियो का बीटा टू पॉइंट जीरो फाइव सिक्स है इसका मीनिंग ये होता है कि अगर मार्केट वन परसेंट से चेंज होगा तुम्हारे पोर्टफोलियो की वैल्यू टू पॉइंट जीरो फाइव सिक्स से चेंज करेगी जो कि बहुत ज़्यादा है ओके सो हियर यू सब्सिट्यूट द डेटा गाइज ओके एंड यू गेट इट सेज दैट माइनस साइन का मतलब होता है कि अगर तुम 20,560 लॉट्स ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स को सेल करोगे तो तुमको कंप्लीट हेजिंग आएगी मैंने यहां पे प्रूफ करके दिखाया है कि सपोज करो कि मार्केट निफ्टी 10% से नीचे गिर गया अगर निफ्टी 10% से नीचे गिर गया तो 250 करोड़ तुम्हारा पोर्टफोलियो वैल्यू तुम्हारा बीटा 2.056 पॉइंट जीरो फाइव सिक्स इंटू टेन परसेंट दैट मीन्स यू लूज फिफ्टी करोड़ इन द फ्यूचर्स इन द फ्यूचर सपोज द प्राइस इज फाइव तुमने सेल किया फ्यूचर्स क्यों बच्चे बोलते हैं मैम आप लॉन्ग क्यों नहीं जा रहे हैं लॉन्ग कैसे जाएंगे ऑलरेडी तो अपन लॉन्ग है अगर मार्केट गिरा तो क्या होगा पोर्टफोलियो पे लॉस फ्यूचर्स पे लॉस 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 डबल लॉस तो मैं हेज करने बैठे लॉस को बढ़ाने को बैठी हूँ ऐसे नहीं करना है पोजीशन को तुमको रिवर्स उल्टी पोजिशन लेनी पड़ेगी ताकि एक दूसरे को ऑफसेट आफसे, करे अगर मार्केट टेन से नीचे जाता है तो फोटी फाइव तुम बाय करोगे ये तुम्हारा गाइस तो देखो तुम यहाँ पे 51.4 और 51.4 बिल्कुल सेम आ गया इसको बोलते परफेक्ट ये क्यों हुआ ऐसा बिकॉज तुमने इसको जीरो पे सेट किया था Now, अगर सपोज मार्केट हां अगर तुमको पार्शियल हेज करना है मतलब पूरा नहीं करना तुम क्यों पूरा नहीं करना बिकॉज अगर मार्केट नीचे गया तो क्या हो गया 51.4, 51.4, दोनों नेट हो गया मेरा पोर्टफोलियो 250 करोड़ का टू फिफ्टी करोड़ ही रह गया अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर से होगा वैसे ही अगर मार्केट सपोज इसमें मार्केट टेन से नीचे गया अगर मार्केट टेन ऊपर जाता तो क्या होता फिर दोनों ऑफसेट कर जाते तो एक साल के बाद तुम फंड मैनेजर को बोलोगे ना तुमने किया क्या मेरे पोर्टफोलियो uh, के साथ में तुमने तो मेरे को ढाई करोड़ पे ही छोड़ दिया तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट हम पूरा हैज नहीं करते हम पार्शल हैज करते हैं ओके okay? तो पार्सल हैज मीन्स पॉइंट तो ये इतने नंबर ऑफ लॉट्स निफ्टी फ्यूचर्स कम सेल करने पड़ेंगे वॉट एल्स तो अगर मार्केट तीन परसेंट से ऊपर गया यस व्हेन द मार्केट ये परफेक्ट हेज तभी करते हैं जैसे अभी मार्केट चल रहा है ना तुम्हारा आजकल जैसे आजकल मार्केट चल रहा है ना कि बस पकड़ने की कोशिश कर रही हूं कि कहीं रुक जाए ये उस उस सिचुएशन में परफेक्ट हेज करना चाहिए ओके okay, सो so नाउ हियर 15.42 करोड़ 15.42 करोड़ तुमने कमाया और यहाँ पे देखो यहाँ ये यह 11.67 करोड़ का लॉस हुआ मार्केट बिकॉज तुमने सेल किया ना प्राइस बढ़ गई तुमने सेल किया पाँच हज़ार पे और ये ढाई करोड़ आया तुम्हारा तो 3.75 करोड़ 3.75 करोड़ इज़ वॉट वन पॉइंट सो वन पॉइंट पोर्टफोलियो में चेंज हुआ एंड द मार्केट हैड चेंज बाई अगेन द बीटर इज़ पॉइंट that's how it is working guys are you comfortable should i move ahead all of you आगे बढ़ जाएं तो जिस यू नो यू यू एट लीस्ट अर्नड समथिंग यू अर्न 3.75 करोड़ अगर तुमने परफेक्ट हेज करा होता ना तो नेट गेन जीरो हो जाता तुम्हारा तो पीपल यूजुअली डू नॉट यूज फुल हेज

ऑफ एक्स लिमिटेड एट a प्राइस ऑफ ट्वेंटी टू मुझे एक मिनट देखने दो एक मिनट देखने दो प्लीज कि मेरा क्या पोर्शन बाकी है ओके सो वन टॉपिक एंड वी वुड बी डन विथ लाइक फ्यूचर्स देन उसके बाद वी कैन फोकस ऑन डेरिवेटिव्स ना ओके गज ये सम मैंने उस तरह से नहीं किया जैसे आईसीआई ने किया मैंने अपने तरीके से थोड़ा करने की कोशिश करी है ठीक है ना मैंने अलग अलग आंसर निकाला है उन्होंने नेट करके निकाला है So basically they are saying Ram buys 10,000 shares of X Limited at a price of 22 per share whose beta value is 1.5 and sells 5,000 shares of A Limited at a price of 40 per share having a beta value of, wo missing hai, 2 hai wo. Okay, ye 2 hai. He obtains a complete hedge by Nifty Futures at 1,000 each. He closes out his position at the closing price of the next day when the share of X Limited dropped by 2%. of. एंड ए लिमिटेड अप्रिशिएटेड बाई थ्री परसेंट निफ्टी फ्यूचर्स ड्रॉप्ड बाई वन पॉइंट फाइव परसेंट सब जगह पर नुकसान ही नुकसान लग रहा है क्यों तुमने एक्स लिमिटेड खरीदा वो नीचे गिर गया तुमने ए लिमिटेड को सेल किया वो ऊपर चला गया तुमने निफ्टी फ्यूचर्स बाय किए वो भी नीचे चला गया सब जगह पर लॉस ही लॉस लग रहा है वो सबसे पहले नंबर ऑफ फ्यूचर्स टू बी सोल्ड टू हैज अ लॉन्ग पोजिशन परफेक्ट हैज बोला है ना तो ये किया तुमने यानी कि तुमको थ्री थर्टी लॉट्स ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स पे शॉर्ट जाना है इन ऑर्डर टू हैज द शॉर्ट पोजिशन तुमने फोर हंड्रेड लॉट्स तुमको बाय करना है यानी नेट तुमको सेवेंटी लॉट्स तुमको बाय करने हैं ओके नाउ इफ यू नीड टू बाय सेवेंटी लॉट्स ऑफ न्यूटिव फ्यूचर्स एट वन थाउजेंड कैश आउटफ्लो तुमने टेन थाउजेंड शेयर्स खरीदे ओके आउटफ्लो सिंस वी आर लॉन्ग ये पैसा इनफ्लो बिकॉज यू हैड यू यू वैंड शॉट एंड सेवेंटी थाउजेंड नेट आउटफ्लो ये वाला इसी पोजिशन को तुम अगर स्क्वायर ऑफ करोगे तो नेट आ रहा है एंड दिस इज अ लॉस गाइस आई डोंट थिंक दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने जो डेरीवेटिव का रिविजन डाला है इसी क्वेश्चन का वो जो केयरलेस लिमिटेड करके सम दिया ना मैंने केयरलेस लिमिटेड करके एक सम कराया है अभी जो डेरिवेटिव्स का रिवीजन का जो लेक्चर मैंने डाला है अभी इस सीजन के अंदर में उसमें जाके देखो इसी क्वेश्चन का वो वाला मिसिंग फिगर वर्जन है लिख के रख लो तुम चाहो तो वो भी जाके जरूर देख लेना बिकॉज इन दोनों क्वेश्चन में से मुझे चांसेज हाई लग रहे हैं नाउ हैज रेशियो कस एज आई टोल्ड यू एज आई टोल्ड यू दैट जैसे तुम किसी स्टॉक पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो वैसे तुम कमोडिटीज को भी हेज कर सकते हो लेकिन हेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना क्या जानना ये ये कि जिस चीज को तुम हेज करना चाहते हो लाइक तुम तुम्हें स्टॉक को हेज करना है ओके तुम्हें स्टॉक पोर्टफोलियो को हेज करना है किस चीज़ से हेज करना है तुम निफ्टी फ्यूचर से हेज करना चाहते हो वन इज़ द एसेट एंड वन इज़ द इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच यू वॉन्ट टू हेज करेक्ट है सो यू नीड टू नो द रिलेशनशिप ना कि रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ अगर तुम और मैं हैं तो अगर मैं और तुम कदम से कदम मिला के चलते हैं दैट मीन्स आवर रिलेशनशिप इज़ वन लेकिन अगर मैं एक कदम चलती हूँ और तुम पॉइंट फाइव चलते हो तो हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप और बीटा इज़ नॉट वन इट इज़ पॉइंट फाइव तो हम दोनों के बीच में जब तक यानी कि हमें हमें अगर हैजिंग करनी है तो हमें पोजिशन को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा दैट इज़ वाई वी नीड दिस हैज रेशियो द रिलेशनशिप बिटवीन द एसेट एंड द इंस्ट्रूमेंट जिस एसेट को तुम हेज करना चाहते हो और जिस इंस्ट्रूमेंट से तुम हेज करना चाहते हो वो बात कर रही हूँ मैं तो यहाँ पे क्या लिखा है टेन एम कॉपर पे तुम लॉन्ग हो ओके तो ये रिलेशनशिप निकाला गया दिस फार्मूला इज ऑल्सो फॉर बीटा एक्चुअली तो बीटा निकालोगे पॉइंट फाइव आया तो यू आर लॉन्ग टू द एक्सटेंट ऑफ फोर्टी सेवन लैख फोर्टी थाउजेंड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन कॉपर स्पॉट एंड कॉपर फ्यूचर्स इज पॉइंट फाइव सो यू विल नॉट हैज द होल ऑफ़ फोर्टी सेवन लैक फोर्टी थाउजेंड रदर यू विल हैज ओनली फिफ्टी परसेंट ऑफ दिस एंड इट इज सॉर्टेड गाइज इसी क्वेश्चन में अगर तुमने जो फार्मूला ऊपर यूज़ किया ना बी पी बी टी माइनस बी पी बी टी माइनस बी पी द होल डिवाइड बाई बी एफ इंटू लॉट इन फ्यूचर्स प्राइस ये सेम है ये सेम है लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर में ये नहीं पता और ये है क्या ये है एसेट और एसेट और इंस्ट्रूमेंट वो एसेट जिसको तुम हैच करना चाहते हो <laughs> जिस एसेट को तुम हेज करना चाहते हो जिस इंस्ट्रूमेंट से उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप के हिसाब से बात चल रही है तो ये बी निकालना तुमने पॉइंट बेसिकली सेम है बिल्कुल तो यहाँ पर सिर्फ न्यूमरेटर का डेटा दिया था सिर्फ न्यूमरेटर का डेटा दिया था ना ये वाला सिर्फ ये डेटा दिया था तो हमने क्या निकाला हमने ये निकाला ये वाला पार्ट निकाला ये निकाला तुम्हारे अब भी कौन से एग्ज़ाम में आया मुझे नहीं पता किधर गया भाई ये तुम्हारे किसी एग्जाम में आया ये वाला सम ये आई आई का सम है ये आईसीआई का वो भी आईसीआई वो का ही सम है लेकिन इस बार इन्होंने डिनोमिनेटर का भी डेटा दे दिया सेम सम है बिल्कुल बिल्कुल सेम सम है देखो यहां पे सेम सम गया 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 समाला पॉइंट फाइव आया सेम है खत्म और अब इन्होंने क्या किया है देखो फाइव कॉन्ट्रैक्ट्स निकाला है और देखो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में निकाले इन्होंने कुड यू सी दैट एक्सटेंड कर दिया सम को इन्होंने सम को एक्सटेंड कर दिया गाइस कुड यू सी दैट आईसीआई ने दो सम पूछे मैंने क्लास में ये बात ये पूछने ये क्वेश्चन आईसीआई ने पूछा उसके पहले मैंने क्लास में बोला था कि अगर ये लोग डिनोमिनेटर का डेटा देते हैं यानी कि लॉट साइज एंड फ्यूचर प्राइस एंड ऑल देन यू विल हैव टू कंप्यूट द नंबर ऑफ लॉट्स आल्सो तो दे दे हैव कैलकुलेटेड फाइव कॉन्ट्रैक्ट्स ओके सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज मूविंग आई ओके देखना ये सम ईजी है कोई मुश्किल नहीं है ऑप्शनस पे आ रही हूँ मैं दो मिनट का ब्रेक लें क्या दो मिनट का ब्रेक लें पानी पीने को नाउ यू नीड टू टेल मी वन थिंग आई इस डू यू नीड मी डू यू डू यू एक्सपेक्ट मी टू डिस्कस द बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ऑल्सो और शुड आई गो हैड शीट तो पूरी बनाई है मैंने शीट तो पूरी बनाई है बिकॉज अल्टीमेटली मैं फ्लो में वो गैप नहीं कर सकती ना मैं फ्लो में गैप क्या पढ़ा रही हूँ फिर मैं फ़्लो में लेकिन अभी बिकॉज हमारे पास समय कम होता है तो तुम अगर बोलोगे तो बेसिक्स भी डिस्कस करूं वरना अगर बेसिक्स तुम्हें कंफर्टेबल है तो मैं आगे बढ़ जाऊं नहीं देव ऑप्शन स्ट्रैटेजीज कवर नहीं कर रही ऑप्शन स्ट्रेटेजीज कवर नहीं कर रही तुम्हें करना है कि ऑप्शन डू यू वॉन्ट मी टू कवर टेक फाइव मिनट्स I. हाँ वो दो प्रोटेक्टिव पुट एंड कवर्ड कॉल राइटिंग करा दूँगी दो करा सकती हूँ स्ट्रैटीज अगर स्ट्रैटजीज करूँगी तो कुछ और नहीं कर पाऊँगी फिर मैं सिर्फ स्ट्रैटजीज़ ही कर पाऊँगी कुछ और नहीं कर पाऊँगी तुम डिसाइड करो तुमको क्या करना है अगर तुम ये चाहते हो कि मैं स्ट्रेटजीज करूँ तो मैं कुछ और नहीं कर पाऊँगी निखिल वी वी इन फ्यूचर्स वी टुक सुक सिक्स लॉर्ड्स बट इफ़ यू सी इन द कैश मार्केट वी बॉट ओनली फाइव लैक नाइन्टी थाउजेंड सो दर इज नो एक्सेस करेंसी विथ अस यू ऑल डिसाइड इफ यू वॉन्ट मी टू डू स्ट्रैटेजीज आई विल डू स्ट्रैटेजीज ओनली देन आई कैन डू प्रोटेक्टिव पुट कवर्ड कॉल राइटिंग स्टैडल स्ट्रैंगल एंड ऑल दैट बोलो तो वो करा दूँ फिर ये पूरा सम्स जो भी है तुम्हारे बाइनोमियल मॉडल एंड ऑल फिर वो ना करूँ क्योंकि दोनों नहीं हो पाएगा ना वी हैव ओनली टू आवर्स टू गो आई कैन नॉट स्पॉइल योर टाइम टू मच स्ट्रैटेजीज ना मुझे नहीं लगता स्ट्रैटेजीज इतना इंपॉर्टेंस तुमको देना चाहिए अगर एक सम आ भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी लेकिन ऑप्शंस में तो बहुत सारा पोर्शन है ना लाइक यू हैव लाइक बड यू डू हैजिंग ऑफ करेंसी इज यूजिंग ऑप्शंस एंड ऑल वो सारा भी है वो करवा दूंगी वो करवा दूंगी बढ़ जाएं आगे फिर हम लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्ट्रेटी आएगा तो एक ही समा सकता उससे ज्यादा तो आएगा नहीं ब्लैक स्कोस मॉडल इस बार आ सकता बट मैंने ब्लैक स्कोस मॉडल डेरिवेटिव्स के रिवीजन वीडियो में डाला है इस बार वो जाके देख लेना ये लेक्चर खत्म होने के बाद बीएसएम का एक सम मैंने भी जो डेरिवेटिव्स का रिवीजन एलडीआर डाला था उसके साथ में रिविजन वीडियो में मैंने बी का एक सम डाला है वो देख लेना वहां से अच्छा एक काम करते अपने पास यू नो वी हैव लाइक वन एंड हाफ टू आवर्स नो तो मैं क्या बोलती हूं तुमको बेसिक्स नहीं बे बिकॉज अभी अगर तुम बेसिक्स कर रहे हो तो सम्स कैसे हो पाएगा right? राइट कर, बेसिक्स करेंगे तो फिर मेन मेन छूट जाएगा अपन एक काम करते हैं अपन एक सम करते हैं बिकॉज समय अभी तुमको खुद से पढ़ना बहुत बाकी है ना फॉर एक्स मैंने पढ़ाया बट तुम्हारी खुद की तो पूरी पढ़ाई बाकी है डायरेक्टिव मैंने पढ़ाया थोड़ा बहुत जो भी बट खुद की तो पूरी पढ़ाई बाकी है बाकी सारे चैप्टर्स बाकी हैं तुम्हारे तो मैं क्या बोलती हूँ मेन मेन चार सम पाँच सम कराती हूँ और फिर वाइंड अप कर देते हैं बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम एक ऑप्शन हैजिंग का सम कराती हूँ यूजिंग ऑप्शन हैजिंग करेंसीज का दो सम करा देती हूँ एक नॉर्मल uh, दो वैराइटी करा देती हूँ और एक बायनॉमल मॉडल का सम करा देती हूँ या एक या दो बायनॉमल मॉडल के सम्स करा देती हूँ और तुमको एक ये करा देती हूँ और से एक बी का सम करा देती हूँ ऐसा करें तो वैरायटी कवर हो जाएगी तुम्हारी मुस्कान अगर मैं बेसिक्स से लूंगी तो खत्म नहीं कर पाऊंगी मैं अगर मैं बेसिक से लूंगी ना ऑप्शन तो, तो क्योंकि डेरिवेटिव्स इज नॉट लाइक फॉरेस्ट के जैसा नहीं है डेरिवेटिव्स में टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं आई होप यू बिकॉज एग्जाम के एक दिन पहले अगर अपना ऑप्शन बेसिक्स करेंगे आई आर आर में अभी क्यों करवाऊँगी आई आर आर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डेरिविटिस नो हाँ वही अगर बेसिक्स में करवाऊंगी तो इट विल दो घंटे बेसिक्स कराने में चले जाएंगे कॉल सी प्लस क्या होता है सी माइनस क्या होता है पी प्लस क्या होता है पी माइनस क्या होता है वो कराएंगे तो टाइम पे तो शाम हो जाएगी बिल्कुल तो आई डोंट थिंक दैट इज़ लाइक एडवाइजेबल इस परसों तुम्हारा पेपर है ना तुमको खुद से भी तो पढ़ना है ना गाइज़ मेरे कराने का मेरा तो काम ही इधर बैठ के पढ़ाने का है बट आई थिंक यू शूड नाउ स्टडी ऑन योर ओन बिकॉज जो भी टाइम मिला है वो अपन इस तरह से वेस्ट नहीं करते हैं राइट डू यू हैव एनी इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इन एस एफ एम नॉट रियली बट आई कैन ट्राई हाँ इंपॉर्टेंट वही मैं बोल रही हूँ कि वी शुड लेट्स लाइक डिसाइड वी शुड डू वन क्वेश्चन ऑन हेजिंग और टू क्वेश्चन ऑन हेजिंग वी शुड डू थ्री टू थ्री क्वेश्चन ऑन वैल्युएशन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो करते हैं अपन पहले ठीक है ना अच्छा आई आर आर एम बोल रही हो राइट तो हेजिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज यूजिंग ऑप्शन कर रहे हैं अपन गैस पता कंफ्यूज नहीं करो ना फटाक से मैं सारा ही करवा दूंगी जितनी देर में तुम कंफ्यूज करो तो मैं अपने ऑलरेडी एक टॉपिक कर चुके होते हैं व्हाट ना हेजिंग ऑफ फॉरन करेंसीज़ यूजिंग ऑप्शन करना है कि नहीं करना है कि वैल्युएशन ऑफ ऑप्शन पे फोकस करूं बताओ तुम तो मेरे को हाँ वही मुझे डिसाइड लेट पूरा फ्लो करते हैं ना फटा फटाफट हो जाएगा अभी तो हुआ ना इतना अच्छे से सारा ही तो करवा दी मैं कहां कुछ बाकी रह छोड़ा ऐसा या सो हेजिंग ऑफ फॉरन करेंसीज यूजिंग ऑप्शन यूएस फॉर्म नीड्स बाउंड थ्री लाख इन वन एटी डेज इन दिस कनेक्शन द फॉलोइंग इज अवेलेबल स्पॉट रेट दिया हुआ है और ये दिया हुआ राइट right, है ना नाउ ये फोरकास्ट का एट दिया सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज बी मोस्ट प्रेफरेबल टू एक्स वाई जेड नेचुरली ये तुम्हारे किस चीज़ का सम है पेबल का सम है राइट right? ये पेबल का सम है ओके okay, सो so अगर पेएबल का सम है तो नो no कवर में क्या करोगे ये जो रेट्स दे रखी है ना तुमको ये जो रेट्स दे रखी है इसकी इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपेक्टेड स्पॉट निकलेगा और अपनी जो एक्सपेक्टेड स्पॉट निकल गया करेक्ट है और उसके बाद तुम उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर निकल जाएगा फॉरवर्ड रेट को ये तो फॉरवर्ड कवर नो कवर इज़ नॉट समथिंग आई लाइक यू नीड माई हेल्प एट ऑल ओके ना फ्यूचर्स कवर तो फ्यूचर्स कवर में ये ध्यान रखना ध्यान रुक जाओ फ्यूचर्स कवर में ये ध्यान रखना सी प्लस बाय कॉल सी माइनस सेल कॉल पी प्लस सेल बाय पुट एंड पी माइनस सेल पुट ओके तो गैस ये दोनों अगर तुम्हारे अगर तुम्हारा आ, क्या कहते हैं अगर तुम्हारे कोटेशंस ऑप्शंस के डायरेक्ट हैं तो ये दोनों अपन यूज़ करते हैं पेएबल के लिए और ये दोनों हम यूज़ करते हैं रिसिवेबल के लिए याद रखना राइट टू बाय ऑब्लिगेशन टू बाय राइट टू सेल ऑब्लिगेशन टू सेल क्या है तुम्हारे क्वेश्चन में ये इंस्टीट्यूट का सम है नीड्स थ्री लैक पाउंड यानी दे नीड टू बाय ओके आर द कोटेशन्स डायरेक्ट यूएस एस फॉर्म अगर कोटेशन डायरेक्ट है तो डॉलर लेफ्ट में आना चाहिए और पाउंड राइट right में आना चाहिए देखें तो देखें बराबर हम कहाँ पे हैं फॉरवर्ड रेट यानी कोटेशन मुझे लग रहा है डायरेक्ट ये कहाँ गया इसमें हाँ डॉलर वन पॉइंट नाइन सेवन सो यू कैन वी डू सी प्लस एट ई इक्वल टू डॉलर वन पॉइंट नाइन सेवन पर पाउंड दिस कोटेशन इज डायरेक्ट वाई बिकॉज कंपनी यूएस की है ओके सो वी कैन यूज सी प्लस ईयर लाउस लुक एट दिस द फर्म इज़ अ फ्रेड ऑफ पाउंड गोइंग अप एंड हैंस इट शुड बाय अ कॉल ऑप्शन ऑन पाउंड इफ अवेलेबल सिंस अ कॉल ऑन पाउंड इज अवेलेबल एट ई डॉलर वन पॉइंट नाइन सेवन द फर्म वुड बाय द सेम एंड प्रीमियम दिया हुआ है तुमको तो प्रीमियम आउटफ्लो तुमने निकाल दिया और ये तुम्हारे रेट्स दिए हुए हैं तो रेट कितना है ये कोटेशन वन पॉइंट नाइन सेवन वन पॉइंट नाइन सेवन के नीचे लैप्स देखो लैप्स लैब्स एक्सरसाइज पे ऑफ निकाला रेट ऑफ बाय निकाला 1.91 1.95 यानी कि तुमको पता ही है क्या तुमको याद है फ्यूचर्स कवर के अंदर में स्पॉट में तुम बाय करते थे और जो तुम्हारे डेरिवेटिव मार्केट में पे ऑफ होता था उसको नेट करते थे सेम तो अपन यहाँ भी कर रहे हैं अगर मार्केट मेरे डॉलर पॉइंट वन नाइन की हुई तो अपन वन पॉइंट नाइन पे बाय करेंगे ये हुई तो इस पर बाय करेंगे टू पॉइंट ज़ीरो फाइव हुआ तो उस पर बाय करेंगे राइट अब इस जो सी प्लस का जो पे ऑफ है उनको नेट करो अगर वन पॉइंट नाइन वन मार्केट में रेट हुआ तो तुम्हारा नेट रेट ये लगेगा अगर 1.95 हुआ तो नेट रेट ये लगेगा और 2.05 हुआ तो भी तुम्हारा रेट कितना लगेगा पता है तुम्हारा रेट लगेगा 1.97 पॉइंट नाइन सेवन वॉट इज़ वन पॉइंट नाइन सेवन वन पॉइंट नाइन सेवन इज नथिंग दैट मीन्स इफ यू हैव बॉट अ कॉल कवर इफ यू हैव बॉट अ कॉल कवर देन

उस सम के अंदर में उन्होंने क्या किया था उस सम के अंदर उन्होंने मेचोरिटी वाले दिन की बहुत सारे रेट्स दे रखे थे स्पॉट की कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है एंड ऑन दैट बेसिस गाइज यू वेयर लाइक तुमने अगर ये हुआ तो ये आंसर होगा ये होगा तो ये आंसर होगा ये होगा तो ये आंसर होगा और फिर तुमने प्रॉबिलिटी प्रॉबिलिटी से मल्टीप्लाई करके तुमने फाइनल आंसर निकाला देखो प्रॉबिटी एक्सपेक्टेड आउटफ्लो निकाला कैन यू सी दैट ये जो कैटेगरी है ना ये बिल्कुल अलग कैटेगरी है इसके अंदर में मेचोरिटी के दिन का बहुत सारे रेट्स नहीं दिए हुए हैं ना प्रॉबिलिटी दे रखी है ओके एक एक ही आंसर निकलेगा और उस आंसर का मीनिंग क्या होगा अगर तुम यह समझ गए तो तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया एन अमेरिकन फर्म इज अंडर ऑब्लीगेशन ये सम के अंदर में अपने को सेम चीज़ दो बार करनी है मैं एक बार करके आगे बढ़ जाऊँगी एन अमेरिकन फर्म इज अंडर ऑब्लीगेशन टू पे इंटरेस्ट ऑफ कैनेडियन डॉलर टेन लैख टेन थाउजेंड एंड कैनेडियन डॉलर सेवन लैक फाइव थाउजेंड ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई एंड थर्टी ऑफ सेप्टेम्बर रेस्पेक्टिवली द फर्म इज रिस्क एवर्स एंड इट्स पॉलिसी इज टू हेज द रिस्क इन्वाल्वड इन ऑल द करेंसी ट्रांजेक्शन वेट अ मिनट प्लीज

फाइव सेवेंटी थ्री में मैंने यहाँ पे बारह हज़ार ऐड किया तो फाइव एटी फाइव तो हो ही गया क्या फ़र्क पड़ता है उससे एक ही बात है निखिल इट इज़ वन एंड द सेम थिंग निखिल दिस इज अ नेकेड कॉस्ट एंड दिस इज अ लोडेड कॉस्ट इट इज ओके डजेंट मैटर ओके नाउ दे हैव गिवन द डेटा ओके दिस इज लाइक क्या लिखा हुआ है डॉलर पर कैनेडियन डॉलर दैट मीन्स रेट्स आर डायरेक्ट हियर रेट्स आर डायरेक्ट डॉलर पर कैनेडियन डॉलर तुमको रेट दे रखी है तो वन मंथ का देखते हैं And they have given here, guys. They have given here, you know, the option quotations. Price for Canadian dollar per dollar, option on stock exchange, cents per Canadian dollar payable on purchase of option, contract size Canadian dollar. Can you understand? Exposure Canadian dollar, a lot size with Canadian dollar. That means the quotations are direct here. Strike price dollar per Canadian dollar ka and these, these are premiums. These are premiums. अब तुम खुद ही सोच के देखो कि तुम्हारे एसेट की प्राइस है डेसिमल्स में और तुम्हारे प्रीमियम की वैल्यू दे रखी है फुल में तुमको क्या लगता है ये 1.56 पॉइंट फाइव सिक्स डॉलर पर कैनेडियन डॉलर है क्या पॉसिबल ही नहीं है ये सेंट्स है कैसे कन्वर्ट करोगे 1.56 पॉइंट फाइव सिक्स डिवाइड बाई हंड्रेड करेंगे तो आएगा पॉइंट जीरो वन फाइव सिक्स डॉलर पर कैनेडियन डॉलर ओके सो बी वेरी केयरफुल कॉमन सेंस चलते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ फाइनेंस डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला मैंने ये बोला कि तुम्हारे एसेट यानी कैनेडियन डॉलर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर डेसिमल में है और प्रीमियम देखो ना जीरो से ज़्यादा है डेसिमल से ज़्यादा है फुल है ना वन से ज़्यादा है तो तुमको क्या लगता है कि किसी चीज़ एसेट की वैल्यू एक रुपया है और उसका प्रीमियम दो रुपया होगा एसेट की वैल्यू एक रुपया है और उसका ट्रांजेक्शन कॉस्ट दो रुपया होगा पॉसिबल ही नहीं है अगर एसेट की वैल्यू एक रुपया है तो उस एक रुपया का कोई परसेंटेज ही होगा ना तुम्हारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट वो बोलना चाह रही थी तुमको मैं इसलिए ये सेंट्स है ये डॉलर्स नहीं है ध्यान देना अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर इफ ऑप्शन आर टू बी बूज वन मंथ ऑप्शन शुड बी बॉट एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ नाइन्टी फोर सेंट्स एंड थ्री मंथ ऑप्शन एट अ स्ट्राइक प्राइज ऑफ नाइन्टी फाइव सेंट्स दिया हुआ है आगे बढ़ती हूँ फॉर वन मंथ पेबल कैनेडियन डॉलर टेन लाख टेन थाउजेंड फॉरवर्ड कवर तुमने लिया ये आंसर निकल गया ऑप्शंस कवर में तुमने नोटिस नहीं करी एक चीज कि अगर तुम डॉलर देखो यहाँ लिखा छोड़ो यहाँ लिखते हैं सी प्लस एट ई पॉइंट नाइन इसका क्या मीनिंग हुआ इसका ये मतलब हुआ कि अगर रेट पॉइंट नाइन फोर से ऊपर गई तो ये कॉल ट्रिगर हो जाएगा और अगर रेट पॉइंट नाइन फोर से नीचे हुआ तो द कॉल विल एक्सपायर एंड वी विल बाय कैनेडियन डॉलर्स इन द ओपन मार्केट राइट तो नंबर ऑफ लॉट्स लगा करके निकाला और उसके बाद उन्होंने ये सारा मतलब यू हैव टू हैज द बैलेंस अमाउंट इन द फॉरवर्ड मार्केट ऐसा समय दिया हुआ है जाके चेक कर लेना ओके okay. मैं तुमको कुछ और बोलना चाह रही हूँ सम तो एनी विच वेज लाइक इट इज अ वेरी नॉर्मल सम तुमको मैं समझाना क्या चाह रही हूँ कि आंसर जो आया ना ये जो आंसर आया फाइनली ये जो आंसर आया है ये आंसर का मीनिंग समझते हो क्या होता है ये आंसर का मीनिंग ये होता है कि अगर वर्स के सिनेरियो का आंसर है यानी कि अगर रेट पॉइंट नाइन फोर पर कैनेडियन डॉलर से अगर रेट ऊपर गया तो हमारा कॉस्ट यानी किसी भी हालत में हमारा कॉस्ट इससे ज़्यादा नहीं होगा इससे कम ही होगा ये आंसर कब निकाला है वेन द प्राई वेन यू आर कंसिडरिंग लुक एट दैट परचेज कॉस्ट ऑफ कैनेडियन डॉलर एट पॉइंट नाइन फोर पॉइंट नाइन फोर तो तब होगा जब मार्केट में कैनेडियन डॉलर का रेट इन टर्म्स ऑफ डॉलर वुड बी पॉइंट नाइन फोर और मोर कम भी तो हो सकता है अगर कम हुआ तो पॉइंट नाइन फोर थोड़ी आएगा कम आना चाहिए ना आइडियली वो मैं तुमको बोलना चाह रही हूँ तो दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो एक्सपेक्टेड नहीं निकला है वर्स्ट केस कंजर्वेटिव आंसर है ओके okay? सो so, क्या किया तुमने कि तुमने ये निकाला कॉस्ट ऑफ और जो बैलेंस था ट्वेंटी पॉइंट ट्वेंटी तो पॉइंट टू जीरो की वैल्यू ये वाली आई और साथ में तुमने प्रीमियम का कॉस्ट ऐड किया है प्रीमियम की वैल्यू तुमने यहाँ पर होगी देखो यहाँ पर ये आज के स्पॉट में तुमको बाय करके देना पड़ेगा ये पैसा कैसे ये मुश्किल है क्या सम तुम्हारे लिए

ओके okay, अब आज अभी क्या हो रहा है मैं जितना समय तुम्हारा लेती जा रही हूं तुम्हारा तुम्हारा अवेलेबिलिटी समय का कम होते जा रहा है तो मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना बोलो जल्दी जल्दी बोलो देखो बच्चे भी जाते जा रहे हैं बच्चे भी सोच रहे हैं अभी जाके सेल्फ स्टडी करते हैं बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे डिफिकल्ट ना नॉट डिफिकल्ट ना वैल्युएशन वैल्युएशन ऑफ ऑप्शन में किसी ने बोला अमेरिकन आप अमेरिकन बायोनॉमियल मॉडल करा दो वो मैं करा देती हूं तुम्हारा तीन तुम्हारे मॉडल बायोनॉमियल मॉडल पुड कॉल पैरिटी इन ब्लैक स्कोल्स मॉडल का इस सो बेसिकली दिस इज लाइक ये डाइ एक चीज का ध्यान जाओ होल्ड करना इसमें डायग्राम क्यों नहीं है वेट अ मिनट प्लीज ना हियर गाइस बना दूंगी अगर नहीं है तो ओके okay. सो so, ये डायग्राम है तुम्हारा ओके एंड दिस इज लाइक वन थाउजेंड एंड वन थाउजेंट प्लस टेन परसेंट अगर ऊपर करती हूँ तो इलेवन हंड्रेड एंड वन थाउजेंट माइनस टेन परसेंट विल गिव मी नाइन हंड्रेड ओके देन अगेन लाइक दिस लाइक दिस एंड लाइक दिस सो इलेवन हंड्रेड प्लस टेन परसेंट विल गिव मी वन टू वन ज़ीरो ओके एंड देन क्या है ये इधर उधर क्यों जाता रहता है वन टू वन ज़ीरो दैन दिस इज़ नाइन नाइन्टी दिस इज़ एट वन ज़ीरो ओके नोड जो मेन पार्ट है वो सिखा देती हूँ तुमको बिकॉज बाकी तो नॉर्मल है मेन पार्ट सीख लो ये नोड ए है ये नोड ए है ये नोड बी है और ये नोड सी है ओके नाउ दिस इज़ लाइक आर माइनस डी एंड यू माइनस डी तुमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली बेसिकली राइट right? तुमने प्रोबेबिलिटी तुम्हारी निकल गई तो ये तुम्हारा हो गया पॉइंट फाइव सेवन फाइव देन पॉइंट फोर टू फाइव इट इज़ डिफिकल्ट टू टी ए डेरेवेटिव इन लेस टाइम इट इज़ ईजियर टू टीच फॉरेक्स इन लेस टाइम वाई इन फॉरेक्स अगर एक बार बेसिक्स कंट्रोल में आ गया उसके बाद सम्स की सम्स में थोड़ी थोड़ी वेरायटी चलती है डेरेवेटिव में ऐसा नहीं है डेरेवेटिव में कॉन्सेप्ट ही पूरा चेंज कर जाता है यानी कि बार बार तुमको मुझे जीरो से ऊपर उठाना पड़ेगा बार बार तो इट बिकम्स अ मोर ऑफ अ डिफिकल्ट जॉब रदर देन फॉरेक्स फॉरेक्स में अगर उठा लिया ना उधर से कभी इधर कभी इधर कभी इधर जाना होता है तो जितनी ऊपर ब्रांचेज जा रही है पॉइंट फाइव सेवन फाइव पॉइंट फोर टू फाइव पॉइंट फाइव सेवन फाइव एंड पॉइंट पॉइंट फोर टू फाइव ओके ये सब हो गया नाउ ये तुमने प्रॉबर्टी निकाली है आर माइनस डी बाई यू माइनस डी करके अभी यहाँ पे ना गाइस यहाँ पे अगर क्या है तुम्हारा ये नाइन नाइन्टी फाइव ऐसा एक्सरसाइज प्राइस इज़ नाइन नाइन्टी फाइव ओके So one two one zero minus calculate it minus nine ninety five will give you CU square. Why call payoff if market goes up two times? U U CU square is equal to two one five. Here, CU call payoff if market first goes up then goes down zero because nine ninety is less than nine ninety five and CD square. सी डी स्क्वेयर विल भी इक्वल टू अगेन जीरो शांति रखना अभी मैं तुमको क्या बोल रही हूँ पता है क्या मैं तुमको ये बोल रही हूँ दैट कि ये अमेरिकन कॉल ऑप्शन है अमेरिकन कॉल ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ भी एक्सरसाइज कर सकती हूँ और मैं यहाँ भी एक्सरसाइज कर सकती हूँ मैं जहाँ ज़्यादा वैल्यू मिलेगी वहाँ एक्सरसाइज करूँगी तो पता कैसे चलेगा वो पता लगाना पड़ेगा बैकवर्ड इंडक्शन मेथोड से तो क्या करेंगे पहले इसकी वैल्यशन करो पहले कैसे करेंगे टू वन फाइव इंटू पॉइंट सेवन फाइव देखो यहाँ पर देखो टू वन फाइव इंटू पॉइंट फाइव सेवन फाइव प्लस जीरो इंटू पॉइंट फोर टू फाइव कैन यू सी दैट डिवाइड बाय वन पॉइंट जीरो वन फाइव तुम्हारा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है तुम यहाँ पे आ गए ओके okay, तो वन ट्वेंटी वन पॉइंट एट जीरो यहाँ पे वैल्यू आ गई अब यहां पे भी चेक करो इलेवन हंड्रेड माइनस नाइन नाइन्टी फाइव तो कितना आता है देखो यहाँ पे सी यू सी यू सी यू स्क्वेयर को डिस्काउंट करोगे तो सी यू आएगा सी यू को डिस्काउंट करोगे तो सी जीरो आ जाएगा लॉजिक अब यहाँ पे 105 आया ये डिस्काउंटिंग क्यों करी बिकॉज अगर तुम्हें इन दोनों को कंपेयर करना है तो यहाँ पे खड़े होके तो दोनों टाइम लाइन पर सेम जगह पर खड़े होने चाहिए एज़ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो हम डिस्काउंटिंग हमें कंपेयर करने पर पता चला कि बेसिकली वन ज़्यादा है 105 से तो तुम इन्वेस्टर को क्या बोलोगे देखो अगर तुम्हें ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और उसके बाद लगता है कि वापस मार्केट ऊपर जाएगा तो तुम बी पे निकलना मत और आगे जाना क्योंकि तुमको वहां पे ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है ओके यूरोपियन ऑप्शन में तुमको यहां पे निकलने का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है तुम निकलोगे कैसे वो बात चल रही तुम्हारी ओके सिमिलरली एट नोड सी तुम इसकी वैल्यूशन करोगे और इसकी हमें पता है ये जीरो 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 ही होगा लेकिन फिर भी यूज करना क्योंकि कभी कभी यहां पर वैल्यू आ जाती है ये जीरो निकाला और तुमने वापस से वो जो वैल्यू थी 121.80 ये वाला और ये वाला ले करके वापस डिस्काउंटिंग करके तुम ए पे आ गए और कॉल की वैल्यू हो गई सिक्सटी नाइन सेम लॉजिक इस पर तो डायग्राम बना हुआ भी है सेम लॉजिक से पुट का निकालो पुट का अपन कैसे निकालेंगे सेम तरीके से गए पुट में मार्केट ऊपर जाएगा तो दिस विल बिकम दिस विल नॉट बी लाइक दिस विल एक्सपायर लुक एट दिस, दिस, दिस वैल्यू आई ना अब इन दोनों को डिस्काउंट करके यहाँ पे आओ आए ना तुम यहाँ पे टू पॉइंट टू पॉइंट जीरो नाइन और अगर तुम यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे एक्सरसाइज करते हो तो वैल्यू आती है जीरो दैट मीन्स हायर क्या है 2.09. तुम वापस से तुम बोल सकते हो इन्वेस्टर को कि देखो अगर तुमने पुट लिया है अगर तुमने पुट लिया है और मार्केट अगर ऊपर गया और वापस अगर ऊपर जाने का चांस है तो तुम बी पे निकलना मत बिकॉज तुमको वैल्यू नहीं मिलेगी आगे तुमको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी तो टू पॉइंट सिमिलरली नोड सी अगेन यू कंप्यूट फॉर दिस एंड यू आर गेटिंग अ वैल्यू एटी पॉइंट थ्री जीरो अगर तुम आगे जाते हो तो और बीच में यहाँ पे निकल जाते हो तो वैल्यू तुमको मिलती है नाइन्टी फाइव तो तुम पुट वाले को क्या बोलोगे कि अगर मार्केट नीचे जाने वाला है अगर मार्केट नीचे जाने वाला है और वापस नीचे जाने वाला है तो तुम वेट मत करना तुम सी पे एग्जिट मार देना बिकॉज तुम अगर और आगे के गए तो तुमको वैल्यू कम मिलेगी लुक एट दिस एंड वी टेक नाइन्टी फाइव यियर लुक एट दिस नाइन्टी फाइव एंड दिस द वैल्यू ऑफ पुट गाइज डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू इफ इट वॉज अ यूरोपियन कॉल ऑप्शन तुमको बी नोड पे और सी नोड पर निकलना अलाउड नहीं है एंड दैट इज़ वाई देर वुड बी नो कंपेरिजन फॉर देट मैटर क्या करोगे कंपेयर करके निकल दो तो तुम सकते नहीं हो समझ में आई बात तो हम आगे बढ़ जाते हैं ओके okay. नाउ इसमें बायोनोमियल मॉडल में दो मेथड है एक है रिस्क न्यूट्रल मेथड जो सब मैंने अभी डिस्कस किया वो रिस्क न्यूट्रल मेथड का था अब जो करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ पोर्टफोलियो रेप्लीकेटिंग अप्रोच से अगर पोर्टफोलियो रेप्लीकेटिंग अप्रोच किसी को नहीं आता है देन इट इज़ बेटर दैट यू गो टू माय यूट्यूब चैनल वहाँ पे पोर्टफोलियो रेप्लीकेटिंग अप्रोच पे एक पूरा डिटेल्ड एग्जाम्पल आधे पौन घंटे का डाला हुआ है कैसे यहाँ पर नहीं कर सकते वो पार्ट डिस्कस आई एम श्योर यू अप्रिशिएट दैट सब so, में लिखा है दिस इज अ वेरी वेरी फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन पढ़ के जाना प्लीज नहीं पता ये लोग को दिमाग नहीं चलाते कि बार बार रिपीट कर रहे हैं ये लोग मिस्टर दयाल इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ए बी सी लिमिटेड विच आर करेंट विच आर करेंटली सेलिंग एट रुपीज सिक्स हंड्रेड ईच ही एक्सपेक्ट्स दैट प्राइस ऑफ द शेयर मे गो अप टू सेवन एटी और मे गो डाउन टू फोर एटी इन थ्री मंथ्स द चांसेस एक बात आई वॉन्ट टू शेयर विद यू डू यू नो दैट पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग अप्रोच इज द स्टार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड रिस्क न्यूट्रल अप्रोच इज द एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड दैट इज वाई आंसर एज पर दिस रिस्क पोर्टफोलियो रेप्लीकेटिंग अप्रोच या फिर पोर्टफोलियो न्यूट्रल रिस्क न्यूट्रल अप्रोच आंसर सेम आएगा ये उस कॉन्सेप्ट की शुरुआत है और वो उस कॉन्सेप्ट का अंत है बेसिकली बीच में बहुत सारा मैथमेटिक्स है जो तुमको पढ़ना नहीं है ही एक्सपेक्ट्स दैट प्राइस ऑफ द शेयर मे गो अप सेवन एटी और मे गो डाउन द चानसेस ऑफ अकरिंग गड़बड़ क्या है? इस क्वेश्चन में पता है जो कि दिमाग तुम चलाओगे तो ये सिक्सटी और फोर्टी दिया हुआ है ओके okay, जो हम निकालते हैं ना जो प्रॉबिलिटीज हम निकालते हैं ना आर माइनस डी डिवाइड बाई यू माइनस डी करके अगर तुम इस क्वेश्चन के अंदर में वो निकालने की कोशिश करोगे तो सिक्सटी फोर्टी नहीं आएगा सिक्सटी फोर्टी नहीं आएगा ओके okay, लेकिन हमें बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दैट मेथड दैट इज वाई दैट इज वाई कुछ गुफा सम के अंदर आई डोट नो हाउ मनी ऑफ यू इवन अंडरस्टैंड दैट पार्ट अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुमको पूरा डिटेल्ड में क्रॉस चेक करके दिखाती कि कहां पर गड़बड़ हो रही है बेसिकली सम के अंदर में ओके ना अ कॉल तुमको समझा मैंने क्या ये प्रॉबिलिटीज शुड भी प्रॉबिलिटीज जो होना चाहिए वो नहीं है रैंडमली दिया हुआ है अ कॉल ऑप्शन ऑन द शेयर ऑफ एबीसी तुम चाहो तो खुद से कैलकुलेट करके चेक करना मेरे लेक्चर बंद करने के बाद

छः सौ की प्राइस है अभी अभी छः सौ की प्राइस है और ये प्राइस हो जाएगी या तो सेवन एटी और या फिर हो जाएगी फोर एटी ओके एंड सी यू क्या हो जाएगा फिर और एक्सरसाइज़ प्राइस कितना है एक्सरसाइज़ प्राइस दिया हुआ है कहाँ गया वो सिक्स थर्टी ओके सो सेवन एटी माइनस सिक्स थर्टी विल गिव यू वन फिफ्टी ओके एंड सी डी विल नेचुरली बी ज़ीरो है ना तो बेसिकली uh, कैसे बोलूँ मैं तुमको आई डोंट नो मतलब मैथ्स से पूरा वो सी यू माइनस सी डी डिवाइड बाई यू एस माइनस डी एस यू एस इज अप स्पॉट एंड डाउन स्पॉट यानी कि तुम्हारे प्रीमियम में कितने का चेंज आया फॉर अ चेंज इन प्राइस सी यू माइनस सी डी देखो 150 फिफ्टी माइनस जीरो डिवाइड बाई सेवन एटी माइनस फोर्टी यानी पॉइंट फाइव इस पॉइंट फाइव को कैसे इंटरप्रेट करोगे इस पॉइंट फाइव का मतलब हुआ डेल्टा बोलते हैं इसको इस, इसका ये मतलब हुआ कि जब स्टॉक की प्राइस वन परसेंट से चेंज करेगी ना तो इस इसका प्रीमियम इसका प्रीमियम बोलो या इसका पे ऑफ पॉइंट फाइव से चेंज करेगा इसका यह मीनिंग सेंसिटिविटी निकाल ली तुमने बेसिकली डेल्टा पॉइंट फाइव मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट फाइव शेयर फॉर एवरी वन कॉल प्रोवाइड अ परफेक्ट है ये लाइन ना जब तक तुमको पोर्टफोलियो रेप्लीकेटिंग अप्रोच का लॉजिक नहीं आता मैंने क्लास में पढ़ाया है तब तक तुम इस लाइन का मीनिंग नहीं समझ सकते फिलहाल क्योंकि सामने में एग्जाम है तुम सिर्फ ये याद कर लो कि पॉइंट फाइव शेयर फॉर एवरी वन कॉल वुड प्रोवाइड अ परफेक्ट हैच यानी मार्केट ऊपर नीच जाए नीचे जाए तुम उतना कमाने वाले लुक एट दिस इफ मार्केट गोज़ अप पॉइंट फाइव इंटू सेवन एटी माइनस वन फिफ्टी विल गिव यू टू फोर्टी इफ मार्केट गोज़ डाउन देन ऑल्सो टू फोर्टी इस लाइन की पूरी मैंने मीनिंग पूरा डिराइव करके दिखाया है यूट्यूब पर है अगर किसी के पास समय है तो जाके देख सकते हो फिर क्या बोला उन्होंने वॉट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द ऑप्शन ओके तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ निकलना रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तुम्हें तो यू कैन लाइक यू कैन मल्टीप्लाई वन फिफ्टी विद द गिवन प्रॉबलिटीज एंड कम्प्यूट द रिटर्न और ये वाला कैसे निकाला इन्होंने बेसिकली यू हैव टू वॉट यू हैव टू डू ये ये इक्वेशन भी तभी समझ में आएगा ये इक्वेशन भी तु तु तभी समझ में आएगा ये पूरा पार्ट तभी समझ में आएगा अगर किसी ने तुम्हें ये चीज़ पढ़ाई होगी अभी ऑन द स्पॉट बहुत मुश्किल है कि मैं तुमको करा पाऊँ यह आता है सबको मैंने यूट्यूब पर डाला है वीडियो पोर्टफोलियो और क्लास में तो मैंने सारे बैचेज में पढ़ाया है रैपिड में पढ़ाया है स्विफ्ट में पढ़ाया मुझे याद नहीं मैंने एक्सप्रेस में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है रैपिड uh, में पढ़ाया है स्विफ्ट में पढ़ाया है रेगुलर के सारे बैचेस पढ़ाए 2020 में भी पढ़ाया है 2021 में भी पढ़ाया है 2022 में भी पढ़ाया है और uh, YouTube पे भी वीडियो डाला है आता है ये बिकॉज अभी समय नहीं कि मैं तो वो डिराइव करके दिखाऊँ ये बट डाला है मैंने गाइज फटाफट जवाब दो ये समझ में आता है कि क्या है ये बिकॉज आई कॉन्ट रैंडमली टेल यू एग्जैक्टली अगर तुमको समझ में आती है ये वाली चीज समझती है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी फिर और अगर नहीं समझती है ना जाके वो वीडियो देख लो तुम्हारा हो जाएगा वो अब्बास विल सेन अगर तुम सब मेरे बच्चे हो तो तुमको ये ही बोलोगे तुम बिकॉज पढ़ाया है मैंने क्लास में पूरा डिराइवेशन दिखाया है बोलो बाकी लोग बोलो प्लीज तो मैं आगे बढ़ जाती हूं बिकॉज नोबडी इज रिप्लाइंग नाउ पुट कॉल पैरिटी मॉडल है ना या दिस इज गोइंग लाइक अ बाउंसर मैम मोहम्मद एक काम करो ना आप एक काम कर एक, ये कौन सा वाला बाउंसर गया मोहम्मद समझता है मोहम्मद कौन सा वाला बाउंसर गया वो वाला पार्ट बाउंसर गया ना तो एक काम करो वहाँ जा के जो मेरा तुम्हारी पढ़ाई लगता है थोड़ी कम हुई है ना यस गो हेडलाइट पुट कॉल पैरिटी बिकॉज अभी समय दोपहर हो गई ना अब तुमको पढ़ना चाहिए खुद से मैं फटाफट पुट कॉल पैरिटी मॉडल करती हूँ बी एस एम करते हैं और वाइंड अप करते हैं गाइज बैठ के पढ़ो तुम्हारा सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करेगी पुट कॉल पैरिटी मॉडल के अंदर में लास्ट सम ना तो एक काम करो मोहम्मद मेरा एक पूरा वीडियो है इसके ऊपर में कोई प्लीज़ शेयर कर दो जा करके अगर कर सकते पोर्टफोलियो एप्लीकेटिंग अप्रोच मेरे यूट्यूब पे होगा कोई भी बच्चा लाइक जानवी एंड ऑल सम्बड़ी हु नोस माई यूट्यूब चैनल वेरी प्रॉपरली जाके प्लीज़ उसको मोहम्मद को शेयर कर दो लिंक प्लीज़ अगर हो सके तो मोहम्मद प्लीज़ जॉइन द आवर टेलीग्राम चैनल वहाँ पे मैं मैं बाद में डाल दूँगी अगर मेरे टेलीग्राम पे आप नहीं हो तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लो मैं लेक्चर खत्म होने के बाद मैं डाल दूँगी वो पढ़ो ये ऐसे नहीं समझेगा इतने शॉर्ट में हम मैं क्या कर रही हूँ लिटरली भगा रही हूँ फटाफट फटाफट देखो सामने पेपर है जो लेक्चर साक्षी ये लेक्चर उस लेक्चर में बीच में फर्क ये होता है इंट्रैक्शन इन दिस पार्ट एंड देर इज अ इंट्रैक्शन इन दिस एंड प्लस सामने कोई बैठा होता है तो यू डोंट फील लाइक लीविंग इट ओके एंड यू जो तुम्हारे मेरे साथ साथ हो रहा है वो रिकॉर्डेड वीडियोज हैं कोई फर्क नहीं है सफे में चेंजेस थोड़ी होते कि कोई फर्क रहेगा ना पुट कॉल पैरिटी मॉडल के अंदर में देश से ये जिन जिनका जिन्होंने ये नहीं पढ़ा उनको ये पार्ट अब आगे नहीं समझेगा बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट पार्ट नाउ एंड आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम पुट कॉल पैरिटी करूँगी बी एस एम करूँगी और, और लेक्चर को आज क्लोज कर दूँगी प्रोडक्टिव पुट में तुमको दो पोर्टफोलियो बना पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें यू विल बाय अ स्टॉक एंड यू विल बाय अ पुट ऑन द स्टॉक एंड इन द फ्यूडिशरी कॉल यू विल बाय अ कॉल एंड ई के जितना अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू तुम इन्वेस्ट करोगे सी पीपल आर ऑलरेडी लिविंग ठीक है एट इक्लिब्रियम दिस टू पोर्टफोलियो एक कुछ एजाम्शन्स हैं ये एग्जाम में ये एजाम्पन्स तुमको एग्जाम में थियोरी के तौर पे आ सकता है क्या है एजाम्पन द पुट एंड कॉल हैज अ सेम अंडर लाइन स्टॉक एस द एक्सरसाइज प्राइज ऑफ बोथ कॉल एंड पुट शुड बी द सेम नेचुरली द ऑप्शन अंडर कॉन्टेम्पलेशन आर यूरोपियन इन नेचर देर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लाइक ब्रोकरेज कमीशन एंड टैक्सेस एंड ऑल दैट नाउ द क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग ऑप्शन ऑन अ स्टॉक मैं तुमको शॉर्ट में बता सकती हूँ ये क्वेश्चन कैसे करना है देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन दोनों का सेम होना चाहिए इन दोनों की वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सेम होना चाहिए ये 560 है और ये 545 है राइट right? नाउ अभी सबसे आसान तरीका होता है निकालने का ये तरीका आर्बिट्राज प्रॉफिट वुड बी 15.45 ये 15 आया ना ये 15 को तुम 6 परसेंट के ब्याज से तुम आगे लेके जाओ सबसे आसान तरीका है और कोई तरीका नहीं है सबसे आसान तरीका है ये तुम्हारे खत्म मैंने बी का सम लिया ही नहीं है करना है बी का सम कि तुम वीडियो से कर लोगे बताओ मुझे अभी सारे बच्चे दे आर लाइक लिविंग दे आर वॉन्टिंग टू स्टडी मे बी ऑन देयर ओन ये सम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ट्रिस्ट मैंने इनका बार बार पूछ रहे थे तो मैंने एक ये टेक्सटाइल वाला सम ले लिया बी एस एम का सम मैंने इस बार अभी डेरिवेटिव रिविजन अभी अभी आठ दस दिन पहले जो या पंद्रह दिन पहले डेरिवेटिव का जो वीडियो डाला है उसने बी एस एम का सम करवाया है लास्ट में जा कर के तो वो देख सकते हो बोलोगे तो तो मैं ये सम करा दूँ कैप फ्लोर और कॉलर कैप फ्लोर का कैप का सम है ये ये सम उन्होंने इन दिनों बहुत बार पूछा है टेल मी मैं एक एक सम ये ले रही हूं खाली सिर्फ ये सम टेक्सटाइल वाला ले रही हूं चलेगा एक बीएसएम का सम योगेश कर लेना उसमें से योगेश वीडियो से कर ले एक ही बात होगी ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा अरेंज आएगा लेक्चर आदर जिस तरह से मैं भगा रही हूँ ना उस तरह से वहां पे प्रॉपरली किया हुआ होगा रिकॉर्डेड लेक्चर है ना तो वहां पे प्रॉपर होता अभी तो क्या है कि हम फटाफट फटाफट कर रहे हैं बहुत सारी चीजें नहीं भी डिस्कस हो रही हैं इसके अंदर में वो वीडियो बेटर होगा तेरे लिए मैं तेरे अच्छे के लिए बोल रही हूँ मुझे पढ़ाने का कुछ भी नहीं है एक ही बात है ना डजेंट मैटर एट ऑल कोई डाउट होगा तो पूछ लेना ग्रुप में आंसर कर दूंगी लेकिन आई थिंक यू शुड नाउ स्टार्ट स्टर्टिंग ऑन योर ओन दो दिन का टाइम अगर मिला है तो तुम्हारे पास तुम इस टाइम को बिकॉज तुम्हारा तुम्हें इक्विटी पढ़ना है बॉन्ड पढ़ना है मर्जर पढ़ना है म्यूचुअल फंड पढ़ना है बहुत कुछ पढ़ना है मेरे साथ बैठे रहोगे तो नहीं हो पाएगा तुम्हें तुम्हारी सेल्फ स्टडी पूरी बाकी आई डोंट वॉट टू स्पॉल योर टाइम टेक्सटाइल सम करके वाइंड अप करते हैं यस अ टेक्सटाइल ये सब अच्छे से कर लेते हैं चलो अ टेक्सटाइल मैनुफैक्चर टेकन फ्लोटिंग इंटरेस्ट एट लोन ऑफ फोर्टी लैक्स ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रिल टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द इंसेप्शन ऑफ द लोन इज एट पॉइंट फाइव परसेंट पर एन बहुत बहुत शांति से इतनी शांति से यह करो कि आरटीपी में भी अगर है तुम्हें दोबारा ना करना पड़े अ टेक्सटाइल हैज टेकन फ्लोटिंग इंटरेस्ट लोन एट फोर्टी लैक्स ऑन फर्स्ट अप्रैल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द इंसेप्शन ऑफ द लोन इज एट पर एनम इंटरेस्ट इज टू बी पेड एवरी ईयर ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च एंड द ड्यूरेशन ऑफ द लोन इज फोर ईयर्स ठीक है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री रिलीजस फॉलोइंग प्रोजेक्शन अबाउट द इंटरेस्ट रेट लाइकली टू प्रिवेल इन द फ्यूचर ये प्रोजेक्शंस है ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एंड थर्टीन एट पॉइंट सेवन फाइव दस परसेंट ऐसा ऐसा करके दिया हुआ है फिर लिखा हुआ है अज्यूम्ड दैट द प्रीमियम नेगोशिएटेड बाय द बोथ द पार्टीज पॉइंट सेवन फाइव परसेंट टू पेड ऑन द फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेल्व एंड द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रेस्पेक्टिव ड्यू डेट्स बी टेन पॉइंट टू और थर्टी फर्स्ट मार्च टू को इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट टू को नाइन पॉइंट टू फाइव परसेंट एंड थर्टी फर्स्ट मार्च को नाइन परसेंट एट पॉइंट टू फाइव परसेंट जब समझाऊंगी सब सम तो समझेगा। कर रिलैक्स करो थोड़ा अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये बंदा एट पॉइंट फाइव परसेंट से ज़्यादा नहीं देना चाहता और फ्लोटिंग लोन है सबसे पहली बात एक चीज़ समझाना चाहती हूँ यहाँ पर तुम्हें मैं कि एक चीज़ का ध्यान रखो ये देखो सी प्लस कैप सी माइनस कैप बाय कैप सेल देन पी प्लस फ्लोर बाय एंड पी माइनस फ्लोर सेल ओके नाव मैं तुमको क्या बोलना चाह रही हूँ अगर तुम्हारी ये दोनों तुम कब यूज करोगे पता है बोरोइंग के लिए और ये दोनों कब यूज करोगे पता है ये, ये दोनों कब यूज़ करोगे इन्वेस्टमेंट के लिए समझ आ रही है बात क्यों तुम सी प्लस करोगे बिकॉज तुमको डर लग रहा है कि ब्याज ऊपर नहीं चले जाए तो इस बंदे को 8.5 परसेंट से ज़्यादा नहीं देना और इसका चार साल का फ्लोटिंग लोन है इतना समझा तुमको और ये बंदा क्या करेगा देखो यहाँ पे कैप बाय करेगा कितने पे देखो यहाँ पे एज बोरोवर डज नॉट वॉन्ट टू पे मोर देन एट पर एनम ऑन दिस लोन वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू राइज बियॉन्ड तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो गई फोर्टी लैक्स स्ट्राइक रेट यानी ई e, एट एंड कैलकुलेशन एंड सेटलमेंट डेट थर्टी फर्स्ट मार्च एवरी ईयर अब आगे आते हैं प्रीमियम फॉर कैफ्स नेगोशियेबल बिटवीन बोथ द पार्टीज लेकिन वो तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना अपन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट ऑफ फोर्टी लैक्स थर्टी थाउजेंड रुपीज करेक्ट है अब थर्टी फर्स्ट मार्च को रेट कितनी हो गई देखो यहाँ पे कितनी रेट दे रखी है ये वाली रेट कहाँ गई टू थाउजेंड थर्टीन को रेट टेन पॉइंट टू होना चाहिए ना हाँ टेन पॉइंट टू एस माइनस ई एस माइनस ई अगर चार चार डेट आएंगी थर्टी फर्स्ट मार्च चार थर्टी फर्स्ट मार्च आएगा तो पहले थर्टी फर्स्ट मार्च इसने कैप बाय कर लिया साढ़े आठ परसेंट पे ओके कैलसी चलते रहना चाहिए कैप बाय कर लिया साढ़े आठ परसेंट पे एट पॉइंट फाइव परसेंट पे और रेट उस दिन निकल के आए टेन पॉइंट टू तो टेन पॉइंट टू इज योर स्पॉट रेट एंड माइनस एट पॉइंट फाइव इज योर स्ट्राइक रेट तो वन पॉइंट सेवन परसेंट का पे ऑफ वन पॉइंट सेवन परसेंट डिवाइड बाय हंड्रेड इंटू फोर्टी लैक्स ओके तो कितने का पे ऑफ आया सिक्सटी एट थाउजेंड का राइट right है सिक्सटी एट थाउजेंड गाइस पे ऑफ है लेकिन इसका इसी तरह से इसी तरह से तुम क्या करोगे कि तुम हर हर साल का निकालोगे वापस से रेट कितनी हो गई इलेवन पॉइंट फाइव तो थ्री परसेंट ऑन फोर्टी लैक्स ये निकाला तुमने एक लाख बीस हज़ार वापस निकाला देखो यहां पे ये निकाला फिर वापस से रेट कितनी हो गई वापस से रेट हो गई 9.25% माइनस 0.75% ये 30,000 आ गया वापस ये पे ऑफ है प्लस पॉजिटिव पौ पे ऑफ्स हैं ओके और वापस से रेट थर्टी मार्च 2016 को कितनी हो गई देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2016 को रेट है 9% एंड 8.25% तो 8.25% अगर होगा तो क्या होगा तुम्हारा कॉल लैप्स या कैप लैप्स कर जाएगा बिकॉज तुमने 8.5 पे तुमने कैप बाय किया है अगर मार्केट की रेट 8.25 तो क्या होगा कैप लैप्स कर जाएगा इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ देखो यहाँ पे द बायर ऑफ द कैप विल नॉट रिसीव द कॉम्पन्सेन एज द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एट पॉइंट टू फाइव परसेंट वेर ए स्ट्राइक रेट इज एट पॉइंट फाइव परसेंट हैंस इज इंटरेस्ट लाइबिलिटी शेल नॉट एक्सीड एट पॉइंट फाइव परसेंट दस बाई बंग प्रीमियम ऑफ फ्रंट बायर ऑफ़ द कैप्स गेट द कंपनसेशन ऑन द रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट ड्यू डेट्स विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस अगर तुम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हो ना तो तुमने कितना बचाया है टोटल पता है सिक्सटी एट प्लस एक लाख बीस हजार प्लस तीस हजार इतना तुमने बचाया दिस इज द टोटल पे ऑफ़ माइनस तीस हजार तुमने जो प्रीमियम दिया था टोटल तुमने वन लाख एटी एट थाउजेंड बचाया है बट आई हैव नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन दिस सम ये इतना सारा जो लिखा हुआ है ना दिस इज सच अ नाइस क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एक का एक सिर्फ एक बात का ध्यान रखना जो तुमसे एग्जाम में गलती होगी ये प्रोजेक्शंस हैं और ये एक्चुअल रेट्स हैं जो उस डेट -उस को हुआ इट हैपेंड तो तुमको जो एस माइनस ई करना है इस क्वेश्चन में वो इसके साथ करना है प्रोजेक्शंस के साथ नहीं करना अगर वो लोग ये वाला नहीं देते हैं तो प्रोजेक्शंस के साथ करोगे वरना तुम एक्चुअल जो रेट हुई उसके साथ करोगे अगर तुम क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हो तो जो पहली रेट तुम ये सब ये सब देखोगे तुम नेचुरली यू विल एंड अप गूफिंग अप विद द सम प्रोजेक्शन इसलिए दिया है ताकि वो बताना चाहता है तुमको द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर को ऐसा लगता है कि रेट बढ़ने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोजेक्शंस हैंस उसको लगता है कि उसको कैप बाय करना चाहिए भले ही उसको प्रीमियम पे करना पड़े आर यू फाइन ऑल ऑफ यू कर लोगे यह सम प्रॉपरली कुछ भी सम में नहीं है एक्सप्लेनेशन भी कुछ नहीं करी है बस तुमको हर रेट के साथ साढ़े आठ परसेंट को एडजस्ट करना है एक लाइन चाहो तो ऐड करना इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी द टोटल नेट सेविंग एज अ रिजल्ट ऑफ कैप वुड बी वन लैख एटी एट थाउजेंड गैज आर यू फाइन ऑल ऑफ यू बोलो जल्दी बोलो चलो तो वाइंड अप करती हूँ मैं यहाँ पे पढ़ो कुछ भी डाउट होगा ना कुछ भी डाउट मैं सबको ओपनली तुमको बोल रही हूँ किसी ने मुझसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है टेलीग्राम के ग्रुप में डालो मैं जरूर सॉल्व करूंगी हंड्रेड परसेंट सॉल्व करूंगी आज नहीं करूंगी तो कब करूंगी ओके okay? कोई भी टॉपिक पर तुम्हारे डाउट है कोई ना कोई तरीके से या तो वॉइस रिकॉर्ड करके या कुछ भी करके लेकिन आप पढ़ना चालू करो मुझे खुद ही बहुत घबराहट हो रही है अभी कि यार इट इज़ ऑलरेडी लाइक आफ्टरनून एंड दिस पीपल शुड स्टार्ट स्टार्टिंग एंड डेट्स वॉट आई फील आई कैन टीच टू आवर्स मोर फोर आवर्स मोर डजेंट मैटर बट मेरे पढ़ाने के बाद तुम सीधा एग्जाम नहीं जा सकते तुमको खुद पढ़ना पड़ेगा दैट इज़ हाउ आई थिंक दैट यू शुड नाउ स्टार्ट फोकसिंग मैंने तुमको एक किक स्टार्ट दे दी तुम्हारे मतलब जैसे अपन किक स्टार्ट करते मैंने स्टार्ट कर दिया तुमको अब तुम फटाफट कर पाओगे बिकॉज तुम यू नो तुम्हारा वो जो स्लगिशनेस था ना वो खत्म हो गया अब जल्दी जल्दी पेजेस पलट सकते हो एफ़ आर ए में प्रवीण बोलता है मैम एफ आर ए थ्री इंटू नाइन इज़ आफ्टर थ्री मंथ्स येस इट इज़ करेक्ट इट इज़ करेक्ट तीन महीने के बाद छः महीने के लिए तीन महीने के बाद छः महीने के लिए इस तरह से ज़ीरो थ्री मंथ्स नाइन मंथ्स तो ये पीरियड तुम्हारा कूलिंग पीरियड बोलते हैं इसको ये कूलिंग पीरियड है ये कूलिंग पीरियड है तुम एफ़ आर ए तुमने यहाँ पर लिया है तुमने एफ़ आर पे पर लिया है तुमने फारे यहाँ पे लिया है यहाँ पे स्पॉट की रेट अनफोल्ड होगी ये बोरोइंग पीरियड होगा या इन्वेस्टमेंट पीरियड होगा हाँ अभी बता देती हूँ अभी बता देती हूँ किसी के पास मेरे पास भी आ, नहीं मैं अभी बता, ग्रुप पे डाल देती हूँ ना टेलीग्राम के ग्रुप पे फोटो क्लिक कर करके डाल देती हूँ चलो चारो क्वेश्चन अब भी और भी कुछ होगा टेलीग्राम पे मुझसे इंटरेक्ट करते रहो मैं लाइव उस पर रहूंगी सत्रह तक सेवनटीन की एग्जाम तुम्हारे शुरू होने तक आई विल बी देयर ओनली आई विल भी देर सो यू कैन पुट आई फील देट नाव वी शुड स्टॉप एंड मैंने तुमको एक बस ऐसा नहीं होता तीली लगा देते ना वो लगा दी अब तुम फटाफट रोल होने लग जाओगे पढ़ोगाइस वन एंड हाफ डे का टाइम और बचा हुआ है पर बात नहीं करो मेरे साथ में भी एंड इन जनरल भी यू शुड बी लाइक बिकॉज यू विल हैव टू मेरे कर आके तुम एग्जाम नहीं जा सकती यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन सो वी वी जस्ट वाइंड अप द लेक्चर हेयर स्टार्ट स्टडिंग आई विल बी देर ऑन द माई टेलीग्राम ग्रुप बी देर आस्कनी डाउट छोटा से छोटा डाउट होगा तुमको लग रहा है मेहनत करनी पड़ेगी तुम वॉइस रिकॉर्ड करके डाल दो पिक्चर डाल दो मैं वहाँ पे तुम्हारी हेल्प करती चले जाऊंगी डोंट हैव टू वरी बट स्टार्ट स्टार्टिंग नाउ यस आई विल पुट द फोटो ऑन द ग्रुप ऑन द टेलीग्राम ग्रुप चलो बाय बाय ऑल द बेस्ट टू यू जस्ट लव यू ऑल प्लीज डू प्लीज़ राइट अ गुड पेपर ओके राइट अ गुड पेपर प्लीज राइट देयर टेल मी ऑन द डीएम दैट हाउ वॉज यूर पेपर एंड समबडी प्लीज जानवी प्लीज़ जैसे ही पेपर पाँच बजे खत्म होगा तुम तुरंत मुझे उसका पिक्चर भेजोगे स्कैन करके इमिडिएट बेसिस पे सो दैट कि मैं उसका uh, वो डाल सकूँ यू नो काइंड ऑफ क्या बोलते हैं डिस्कशन डाल सकूँ बच्चे लेट करते मैं बोलती हूँ उनको डालने को वो डालते नहीं तो मुझे तुरंत डाल पाँच बजे पेपर से बाहर निकल के पहला काम करोगे एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन सेंटर पर ही स्कैन करके तुम मुझे तुरंत पेपर भेजोगे राइट चलो बाय बाय एवरीबॉडी ओके ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट यू फॉर द एग्जाम्स अच्छा पेपर आएगा रिलैक्स करो बहुत अच्छा पेपर आएगा अच्छा इजन की तुम्हारे लिखने जैसा पेपर होगा ओके बी पॉजिटिव वो मैं डाल देती हूँ लिस्ट वो मैं डाल देती हूँ देव मैं डाल देती हूँ लिस्ट अभी डाल देती हूँ कौन कौन सी वीडियो तुमको देखने चाहिए अच्छे अच्छे वीडियोस अभी डाल देती हूँ सारा ठीक है चलो बाय